Yes, very good afternoon, everyone. Let me know, audio video clear है सभी को? जी मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? एक्सक्यूज मी, यस बहुत गर्मी है यार आज तो। मैंने अपने घर में उनकी सारी खिड़कियां खोल दी है और आज संभव ग्रीन स्क्रीन, आई मीन टू से ग्रीन स्क्रीन का सेटअप ओपन खिड़की में भी काम कर रहे हैं ताकि थोड़ी ठंडी हवा आए। ओके चलो बढ़िया है। अंशुमा ये चैप्टर आज खत्म करना है। अब ये चैप्टर 2 घंटे में खत्म हो या 2.5 घंटे में खत्म हो या 3 घंटे में खत्म हो उसके अकॉर्डिंग क्लास रहेगी। मैम एसी आ गया ना आपका? हाँ जी जिल एसी आ गया है बट कल उसका लाइक इंस्टॉलेशन होगा, तो अभी आके रखा हुआ है क्योंकि जो इंस्टॉलेशन के लिए हमने बुकिंग किया वो मतलब इस अपकमिंग डेज में वो लोग फ्री नहीं थे, तो संडे को वो आके इंस्टॉल करेंगे यानी कल आके इंस्टॉल करेंगे, तब थोड़ी राहत मिलेगी चैन की सांस। ओके हमारे यहाँ भी मौसम औसम हो रेला है। क्या बात है, मौसम औसम हो रेला है, तो एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जिन भी बच्चों का कहना था कि मैम डीबीटी से पहले प्लांट कंप्लीट कर दीजिए, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई राइट। उनको हमने इकोलॉजी भी कंप्लीट करके दे दिया और प्लांट भी कंप्लीट करके दे दिया, है ना। कभी कभी किस लिए कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, कुछ चीजें अपने आप टाइम पे हो जाती है।
काफी बच्चे थे जो कह रहे थे मैम डीपीटी को एग्जाम आ रहा है, आप पहले अगर प्लांट शुरू कर देती तो थोड़ा अच्छा होता है, तो उनके लिए काफी अच्छा हो गया। आप चलिए जी शुरू करें। ओके तो प्लांट हार्मोन का आप लोगों को क्वेश्चन मैंने कल दे दिया था, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा उम्मीद करती हूँ, लेवल का आइडिया लगा होगा। ठीक है रश्मि जी आप वीरेन सर से पूछ लीजिए, वो ये पोर्शन कवर करने वाले हैं, तो बेटर होता है जो एजुकेटर ये कंप्लीट करने वाला है उस रिस्पेक्टिव एजुकेटर से आप पूछें, क्योंकि आप किसी और का प्लानिंग किसी और टीचर से पूछ रहे होते हैं तो वो फिर दिक्कत हो जाएगा फिर, क्योंकि मेरे पास उसका जवाब नहीं होता क्योंकि सर की अपनी अपनी प्लानिंग चलती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सर से जो है कंसल्ट कर सकते हैं कि वो कब क्या चीज जो है शुरू करने वाले हैं। स्ट्रेस फिजियोलॉजी बस बाकी है, यस आज हम ये कंप्लीट कर लेंगे, नहीं आज प्लांट की लास्ट क्लास नहीं है, इसके बाद एक और चैप्टर बचेगा स्ट्रेस फिजियोलॉजी, स्ट्रेस फिजियोलॉजी में बायोटिक स्ट्रेस एंड एबायोटिक स्ट्रेस करेंगे। चलो शुरू करते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब ये क्या होते हैं चलिए समझते हैं, यहाँ पे मैंने आपके सामने रेफरेंसेस मेंशन कर दिए हैं कि कहाँ से पढ़ाया जा रहा है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि तेजन जेगर के 6th एडिशन से आई डोंट नो मैक्सिमम पोर्शन ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रिमूव कर दिया गया है, आई डोंट नो द रीजन, तो मैंने यहाँ पे 5th एडिशन से लेकर पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा स्प्रिंगर की जो सतीश श्री बत्ला और मंजू ए लाल के थ्रू जो डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म का पोर्शन है उस बुक से भी मैं वो चीज पढ़ा रही हूँ, कुछ मैंने हॉपकिंग से लिया लेके रखा है, कुछ साइंस डायरेक्ट एंड रिसर्च गेट से भी लेके रखा है और कुछ एनसीबीआई की वेबसाइट से भी लिया गया है, तो पूरा मिक्सचर जो है आज हम इसका डील करने वाले हैं, मतलब इतने सारे रिसोर्सेस से लेकर आज का पोर्शन पढ़ाया जाएगा। अच्छा इसके अलावा आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो तो एक स्लाइड प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है पढ़ाने के लिए, तो वो पढ़ा रही हूँ, बट मैं कोशिश करूंगी कि मेरे कुछ पुराने नोट्स हैं अभी, मतलब मैं जहाँ पे अभी रहती हूँ वहां पे वो नोट्स नहीं है, मतलब मम्मी पापा के पास जहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं वहां पे होंगे वो नोट्स, तो अगर वो नोट्स मुझे मिल जाते हैं तो उन नोट्स को मैं थोड़ा सा अपडेट करके मैं आपको अपने अपना जो मैं अपनी तैयारी के टाइम पे जो मेरे पर्सनल नोट्स थे वो और अपडेटेड पोर्शन मिक्स करके मैं एक एडिशनल नोट्स आपको दे सकती हूँ जो कि एक रिवीजन फॉर्मेट में होगा और बुकिश लैंग्वेज में नहीं होगा, बट ये मैं कह रही हूँ कि ये डिपेंड करता है कि वो नोट्स अगर मुझे मिल जाते हैं, जिसके लिए मुझे एक बार अपने घर जाके चेक करना पड़ेगा कि वो नोट्स हैं या क्या हुए या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो मुझे याद है वो नोट्स मैंने काफी बढ़िया बनाए थे स्पेशली इस पोर्शन के लिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर वो मिल जाती है तो मैं आपको किसी ना किसी सेशन में एग्जाम से पहले जो है शेयर कर दूंगी। ठीक है उसका मैं मतलब मोबाइल से पिक्चर वगैरह लेकर उसको मैं सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दूंगी, या फिर अगर पॉसिबल हुआ तो उसको मैं रीराइट करके एक सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, जो भी पॉसिबल हुआ, बट ये डिपेंड करता है कि वो नोट्स मुझे मिल जाए, क्योंकि वो नोट्स मिल जाएंगे तो आपके लिए भी चीजों को याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा जैसे मैंने अपने लिए आसान बनाया था। अगर मिल जाता है तो वो एक एडिशनल में शेयर कर सकती हूँ, उसमें वो पोर्शन भी होगा जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा भी हो सकता है, थोड़ा सा उसमें कम भी हो सकता है, क्योंकि अभी मुझे फिलहाल में इतना याद नहीं है कि मैंने उसको कितने हद तक बनाया था, बट मुझे याद है कि मैंने अपने लिए बना के रखा था, हो सकता है मैं उसको रीराइट करके आपको दूं क्योंकि थोड़ा सा बहुत मैसी टाइप का मैंने नोट्स उसको बना के रखा था, रीराइट करती हूँ तो कुछ एडिशनल पोर्शन भी ऐड करके जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसे भी ऐड करके मैं दे सकती हूँ अगर मिल जाता है तो। ठीक है तो इसके लिए ये एक एडिशनल चीज है मैं आपको मेंशन करके रख रही हूँ। चलो तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है तो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये क्या होते हैं, तो देखिए प्लांट एक नेचुरल हैबिटेट में प्रेजेंट है और उसके चारों तरफ ऑब्वियसली एक इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में उसके कुछ दोस्त हैं तो काफी सारे दुश्मन भी हैं, राइट। दुश्मन कहने का मतलब क्या हो गया, दुश्मन कहने का मतलब हो गया जैसे कि प्लांट को अटैक करने वाले हर्बीवोर्स,
बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इंसेक्ट, मैमल्स, ठीक है, ये सब क्या हो गए, ये सब प्लांट के दुश्मन हो गए। क्यों? क्योंकि ये प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आपको पता है कि प्लांट हमारी तरह एक जगह से दूसरी जगह भाग नहीं सकता कि हाँ भाई देखो सामने से जो है एक रैबिट आ रहा है और वो प्लांट को खाएगा, तो प्लांट ने उसको देख लिया और प्लांट जो है फटाफट से 9-2-11 हो गया वहां से। कभी ऐसा सुना है? नहीं सुना है। क्यों? क्योंकि प्लांट मूव नहीं कर सकते हैं, राइट, उनमें मूवमेंट मतलब कि वो एक जगह से चल के दूसरी जगह नहीं जा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कहीं खड़े हो और आपको बहुत ज्यादा मच्छर काट रहे हैं, आप क्या करते हो? आप उस जगह से हटके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हो, राइट, जनरली हम करते हैं। या कोई चीज हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो हम वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। प्लांट ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्लांट को आप प्यार से जो है अच्छी अच्छी बातें कहो या फिर उसको नुकसान पहुंचाओ, वो कहीं नहीं हिलने वाला है, वो वहीं का वहीं बैठे रहेगा। अब इस वजह से बेचारे प्लांट के साथ बहुत क्या हो गई, नाइंसाफी हो गई, राइट। और हम बायोटिक स्ट्रेस में ये भी पढ़ेंगे कि प्लांट के पास कोई इम्यून सिस्टम नहीं होता जैसे हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमारा डाइजेशन में मदद करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि यूरिन एंड एक्सक्रीटा को रिलीज करने में मदद करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि हमें रेस्पायर करने में मदद करता है। उसी तरह हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम भी है जो हमें बीमारियों से बचाता है। कोई बीमारी कॉज करने वाली चीज हमारी बॉडी के अंदर एंट्री लेती है तो वो सिस्टम उस उन सारे फैक्टर से लड़ने का काम करता है। बेचारे प्लांट के पास वो भी नहीं है। मतलब एक तरीके से घनघोर अन्याय हो रहा है यहाँ पे प्लांट के साथ कि ना वो मूव कर सकते हैं ना उनके पास अपना इम्यून सिस्टम है। लेकिन बाबू मोशाय, प्लांट को भी जिंदगी मिली है तो जीने का हक तो उसे भी है। तो प्लांट क्या करता है? प्लांट करता है इवोल्यूशन, यानी जैसे जैसे वक्त के साथ उसको चैलेंजेस मिले हैं वैसे वैसे प्लांट ने क्या किया है, खुद को बचाने के लिए खुद में बहुत सारा इवोल्यूशन किया है। यानी प्लांट धीरे धीरे जब इवॉल्व हुए तो वो सारे टेक्निक्स सीख गए जिससे कि वो अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन वो जो टेक्निक है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, ऐसा नहीं है फॉर श्योर प्लांट को बचा लेती है। क्योंकि प्लांट की जान बचना बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हाँ सामने वाला जो एनिमी है उसका अटैक कितना जोरदार था, राइट, या फिर प्लांट का जो काउंटर अटैक था वो कितना जोरदार था। तो बहुत से चीजों पे मैटर करता है प्लांट का जिंदा रहना और उस अटैक में बचना या मरना, ठीक है। तो ये चीज है, ये एक बेसिक मैं आपको बता रही हूँ, एक इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत से क्यूट क्यूट से जो है यहाँ पे जीव जंतु को मैंने रखा है। अब ये देखने में भले ही क्यूट लगे, भले ही अट्रैक्टिव लगे, लेकिन ये प्लांट के लिए उनके कट्टर दुश्मन है, ठीक है। एक से एक जो यहाँ पे कलरफुल दिख रहे हैं आपको, मतलब यहाँ पे जो इंसेक्ट कह लीजिए, कैटरपिलर्स कह लीजिए, ठीक है, ये सब जो है प्लांट को नुकसान करती है। क्योंकि अगर ये प्लांट को खाना शुरू करते हैं तो प्लांट का क्या होने लगता है, प्लांट का नुकसान होने लगता है, प्लांट को हार्म होने लगता है, ठीक है। तो ये एक रफ आइडिया हो गया कि हम प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरी है। तो उससे पहले जानना जरूरी है कि प्लांट प्लांट किन चीजों से मतलब गुजर रहा है, प्लांट क्या फेस कर रहा है, प्लांट को डे बाय डे क्या चैलेंजेस मिलते हैं। तब आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएगी कि प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को क्यों प्रोड्यूस कर रहा है और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या है, ठीक है। जिन जिनको क्यूट लग रहे हैं उनके घर में आज डब्बों में बंद करके ये पार्सल करके मैं पहुंचा दूंगी। तो होता क्या है, देख लीजिए कि प्लांट मान लीजिए इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और प्लांट के ऊपर किसी पैथोजन ने अटैक किया या किसी हर्बीवोर ने अटैक किया, राइट। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट के पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जिस जो कि सबसे पहले काम करेगा। यानी अगर प्लांट पे किसी ने अटैक किया है, किसी पैथोजन ने अटैक किया, तो सबसे पहले प्लांट किन चीजों का इस्तेमाल करेगा, वो सब चीजें होती हैं मैकेनिकल बैरियर, पढ़ेंगे ये सब मैकेनिकल बैरियर क्या होता है। और एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी होता है प्लांट में जो कि पेस्ट या पैथोजन के खिलाफ यूज किया जा सकता है और उसे हम केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। इसमें मेनली आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स चले आते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि जो मैकेनिकल बैरियर है जो प्लांट में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है, यानी पहले स्टेप पे बचाव क्रिया कर रहा है, वो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए,
मैकेनिकल बैरियर में बहुत से फैक्टर चले आते हैं, जैसे कि प्लांट का सरफेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, मिनरल क्रिस्टल क्या होगा, हिग्मोनेस्टिक यानी टच इंड्यूस लीफ मूवमेंट भी प्लांट में देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने टच किया किसी प्लांट को, वो प्लांट अपनी लीफ बंद कर लेता है, ठीक है। ये सब जो एक्शन होते हैं ये सब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माने जाते हैं प्लांट में, जब उन पे कोई पेस्ट या पैथोजन अटैक करता है। तो जो कॉमन सरफेस स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट रह सकते हैं प्लांट में, वो हो सकते हैं थ्रॉन्स, स्पाइंस, प्रिकल्स, ट्राइकोम्स, ठीक है। पिक्चर आप देख लीजिए, इनके पिक्चर देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पहला वाला, दिस इज व्हाट, दिस इज थ्रॉन्स, यानी कांटे जो हमको जनरली देखने को मिलते हैं। ये जो थ्रॉन्स है ये है क्या, दे आर द मॉडिफाइड ब्रांचेस, ब्रांचेस का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए स्पाइंस, ये रहे दैट इज स्पाइंस। स्पाइंस क्या है, स्पाइंस जैसे कि आपको कैक्टस में देखने को मिल जाता है, ये जो है मॉडिफाइड लीव्स माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए सी में, दैट इज प्रिकल्स। प्रिकल्स यहाँ पे क्या होते हैं, प्रिकल्स जो है एक तरीके से आपको देखने को मिलता है कि ये एपिडर्मिस का ही मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, एपिडर्मिस से फॉर्म होते हैं। और लास्ट में देखिए ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स को हमने पहले भी पढ़ा है और आपको पता है ये भी कौन सा मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, दैट इज एपिडर्मल सेल का ही मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, यानी उससे डिराइव किए जाते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर प्लांट अपने सरफेस पे रख सकता है, आप इनको देख के भी समझ सकते हैं कि यस प्लांट के सरफेस पे ये आपने चीजें देखी है, ये यूं ही नहीं प्रेजेंट है कि आप जाओ उसको तोड़ो और बोलो उच्च लग गया कांटा, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, क्योंकि वो उनका डिफेंस मैकेनिज्म है, उन्होंने रखा ही इसलिए है ताकि जो भी उनको नुकसान पहुंचाने आए उससे उसे डिट्योर कर सकेंगे, ठीक है, इसीलिए रखा है। अब चलिए इनकी कहानी समझते हैं। जैसे कि हमने कहा थ्रॉन्स जो है वो एक मॉडिफाइड ब्रांचेस है, स्पाइंस मॉडिफाइड लीव्स का पार्ट है, प्रिकल्स जो है ये डिराइव किया जाता है एपिडर्मिस से। ये जो सारे के सारे स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है शार्प पॉइंटेड टिप के साथ है और फिजिकली प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को फ्रॉम लार्ज हर्बीवोर जैसे कि हो गया मैमल्स, ऑल्दो दे आर लेस इफेक्टिव अगेंस्ट द स्मॉलर एंड इंसेक्ट हर्बीवोर्स। अब देखिए हम जैसे लोग अगर इस टाइप के पौधे को तोड़ने गए तो फॉर श्योर हमारे हाथ में कांटा चुभेगा ही या स्पाइन चुभेगा ही, राइट, या कोई बड़ा हर्बीवोर मतलब एनिमल गया, जैसे कि मान लीजिए कोई गोट हो गया, ठीक है, डियर हो गया, ऐसे अगर एनिमल जाके उस प्लांट को खाने की कोशिश करेंगे तो उनको भी उन सारे स्ट्रक्चर से नुकसान होगा। लेकिन अगर एक छोटा सा इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट जब प्लांट पे क्रॉन करके चढ़ेगा और उस प्लांट को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना शुरू करेगा, तो उस प्लांट पे जो भी स्ट्रक्चर है वो खास तरीके से कुछ नुकसान नहीं देंगे, राइट, मतलब कि वो एक तरीके से उन पैथोजेनिक इंसेक्ट्स को कुछ खास तरीके से हार्म नहीं पहुंचाएंगे, एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो अगर स्मॉलर इंसेक्ट है तो उस केस में हमको देखने को मिलेगा कि हाँ वो कुछ खास उनको हार्म नहीं हो रहा इन सारे स्ट्रक्चर से, विच कैन इजिली पेनिट्रेट सच डिफेंसेस एंड रीच द एडिबल पार्ट ऑफ द शूट, जो क्या कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजिली जो है प्लांट के इंटरनल पार्ट में पहुंच सकते हैं और उसको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, जैसे कि हमने बात किया था ट्राइकोम्स के बारे में, ट्राइकोम्स के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं जब हमने ट्राइकोम्स का देखा था कि फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसमें मेनली जैस्मोनिक एसिड रोल प्ले कर रहा था, राइट। तो यहाँ पे ट्राइकोम्स भी क्या करते हैं, ट्राइकोम्स या फिर हम इनको हेयर कह सकते हैं, ये भी जो है बहुत अच्छा खासा डिफेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल डिटरेंस मैकेनिज्म। ट्राइकोम्स अगर इन वैरायटी ऑफ फॉर्म, चाहे बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ फॉर्म में मिल सकते हैं, और इन ट्राइकोम्स में जैसे कि जो ग्रैंडुलर ट्राइकोम्स होता है उसमें क्या देखा जाता है, स्पीसीज स्पेसिफिक सेकेंडरी सच एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखे जाते हैं, जैसे कि हो गया टारफिनॉइड्स एंड फिनोलिक्स। तो इनमें जो छोटे छोटे से पॉकेट्स होते हैं ग्रैंडुलर ट्राइकोम्स में, उनमें क्या स्टोर होता है, उनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्टोर होता है, जैसे कि हो गया टारफिनॉइड्स, फिनोलिक्स, ठीक है। और जब कोई ऑर्गेनिज्म या हर्बीवोर प्लांट पे अटैक करता है तो ये जो पॉकेट होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं
और इनके अंदर जो कंटेंट होता है वो रिलीज हो जाता है, जिसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है और कड़वा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है। इसके स्मेल और टेस्ट की वजह से जो हर्बीवोर आया है प्लांट को अटैक करने के लिए, वो अब उस प्लांट को मतलब कि एक तरीके से रिपेल करता है, मतलब कि उस प्लांट को वो नहीं खा पाता, उस प्लांट को अवॉइड करने लगता है ड्यू टू द स्मेल एंड द बिटर टेस्ट। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स इस तरीके से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देते हैं कि कोई अटैक किया तो सबसे पहले ये कैसे काम करते हैं और उस हर्बीवोर से छुटकारा कैसे दिलाते हैं प्लांट को, ठीक है। लेकिन आपको पता है जैसे कि बड़े एनिमल्स पे तो ये अलाउ हो गया, लेकिन छोटी छोटी जो ऑर्गेनिज्म है, छोटी छोटी जो हर्बीवोर्स हैं लाइक इंसेक्ट हो गया, मॉथ हो गए, ठीक है, इन सब से ये सारे फैक्टर्स उतना बचाव नहीं कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई फिर प्लांट को जरूरी हो जाता है कि हाँ वो कुछ और फैक्टर्स भी प्रोड्यूस करें। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ट्राइकोम्स की अगर हम बात करते हैं, ट्राइकोम्स ऑफ द नेटल्स दैट इज यूटिका डियोशिया, ये प्लांट है, ठीक है। इसके ट्राइकोम्स में जो है बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन। ये सब क्या करते हैं, ये एक तरीके से कॉकटेल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि एनिमल के लिए एक हार्मफुल फैक्टर की तरह काम कर सकते हैं, जिससे कि एनिमल को क्या होगा, जिससे कि एनिमल इन प्लांट्स को खाने से बचेगा, उसके स्मेल को अवॉइड करना चाहेगा। इनफैक्ट ये अगर केमिकल एनिमल के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एनिमल पे भी हार्मफुल इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि एनिमल की स्किन में इरिटेशन कर देना। तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं वो एक्चुअल में प्लांट ने बाय इवोल्यूशन एडॉप्ट किया है ताकि वो अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सके, ठीक है। ओके, इसके अलावा भी हमको देखने को मिला है कि कुछ और भी मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि बिसाइड सर्विंग एज अ बैरियर टू द इंसेक्ट हर्बीवोर, ट्राइकोम्स व्हेन बेंट और डैमेज्ड दे मे आल्सो एक्ट एज अ हर्बीवोर सेंसर बाय सेंडिंग अ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल टू द सराउंडिंग सेल। इसके अलावा मान लीजिए कि हर्बीवोर के द्वारा ट्राइकोम तोड़ दिया गया या बेंड कर दिया गया या डैमेज कर दिया गया, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ये जो ट्राइकोम्स होते हैं कुछ ऐसे केमिकल का सिक्रीशन करते हैं जो कि सेंस किया जाता है सराउंडिंग सेल्स के द्वारा, और जैसे ही इन सिग्नल्स को सेंस किया जाता है, ये जो सिग्नल है ये ट्रिगर कर देता है फॉर्मेशन ऑफ इंड्यूसेबल डिफेंस कंपाउंड इन द लीफ ऑफ अ मेसोफिल, और उस टाइम पे प्लांट में एक और सिग्नलिंग शुरू हो जाती है जिसमें कि कुछ इंड्यूसेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जो कि अब उस हर्बीवोर से मतलब कि फाइट करने में मदद करेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्टिकल टू द हर्बीवोरी इज प्रोवाइडेड बाय द मिनरल क्रिस्टल्स दैट आर प्रेजेंट इन मेनी प्लांट स्पीसीज। इसके अलावा प्लांट में कुछ मिनरल क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हर्बीवोरी से बचाने में मदद करते हैं प्लांट को, जैसे कि सिलिका क्रिस्टल का प्रेजेंट रहना। सिलिका क्रिस्टल जो है इसको हम फाइटोलिथ भी कहते हैं। सो सिलिका क्रिस्टल कॉल द फाइटोलिथ फॉर्म इन द एपिडर्मल सेल वॉल। ये एपिडर्मल सेल वॉल में फॉर्म होता है और कभी कभी इसको वैक्यूल में भी देखा जाता है ऑफ पोआशिया प्लांट। फाइटोलिथ एड टफनेस टू द सेल वॉल एंड मेक द लीव्स ऑफ अ ग्रास डिफिकल्ट फॉर अ इंसेक्ट हर्बीवोर टू च्यू। तो ये जो सिलिका क्रिस्टल्स होते हैं या फाइटोलिथ होता है, ये जिस भी प्लांट में प्रेजेंट रहता है उस प्लांट के सेल वॉल को ये बहुत ज्यादा टफ बना देता है, और जिन लीव्स में या ग्रासेस में ये प्रेजेंट रहता है वो लीव्स या ग्रासेस जो हैं जब एक इंसेक्ट खाता है तो उसको उस लीव्स या ग्रासेस को च्यू करने में यानी चबाने में उस इंसेक्ट को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो उस डिफिकल्टी के कारण क्या करेगा, फिर वो हर्बीवोर चाहेगा कि मैं ऐसे प्लांट्स को अवॉइड करूं जिन प्लांट के लीव्स को खाने में जो है मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, ये भी एक टाइप के क्रिस्टल है जो कि प्लांट में प्रेजेंट रह सकते हैं। इनको भी देखा गया है कि ये वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं ऑफ मेनी स्पीसीज एंड मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द लीफ और रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेशलाइज सेल कॉल्ड द आइडियोब्लास्ट। तो ये थ्रू आउट द लीव्स देखे जा सकते हैं, इनको वैक्यूल में देखा गया है, साथ ही साथ इनको कुछ एक स्पेशलाइज सेल में भी देखा गया है प्लांट में, जिसे हम आइडियोब्लास्ट कहते हैं। सम कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल फॉर्म बंचेस ऑफ नीडल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रैफिड्स। अब ये जो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट होता है
ये क्या करता है, कुछ बंच ऑफ नीडल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रैफिड्स, ठीक है, विच आर हार्मफुल टू लार्ज हर्बीवोर्स, जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल होता है किसके लिए, दैट इज लार्ज हर्बीवोर्स के लिए, ठीक है गाइज, एक्सक्यूज मी, ओके लेट मी नो ऑडियो क्लियर है सभी को, किसी को कुछ सुनाई तो नहीं दिया था, वॉइस नहीं आ रही थी, चलो अच्छी बात है, वॉइस नहीं आनी चाहिए थी इसलिए नहीं आ रही थी। ओके तो एज वी वर टॉकिंग कि कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल जो होता है मेनली जब वो एक तरीके से बंचेस में प्रेजेंट रहता है तो हम उसे रैफिड्स कहते हैं, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पिक्चर देखना चाहेंगे ये रहा देखिए, ठीक है ये है रैफिड्स। अब जरा इसकी मतलब कि शार्पनेस देखिए कितनी ज्यादा है, राइट, अब इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई हर्बीवोर एनिमल प्लांट को खाता है और उसमें रैफिड्स प्रेजेंट है तो फिर उसका क्या हाल होगा, तो इसलिए बोला था कि लार्ज हर्बीवोर के लिए जो है ये हार्मफुल हो सकता है। रैफिड जो है एक तरीके से एक्सट्रीमली शार्प टिप होते हैं दैट कैन पेनिट्रेट द सॉफ्ट टिश्यू इन द थ्रोट, यानी कि जो हर्बीवोर इन प्लांट्स को खाएगा, जिस प्लांट्स में रैफिड्स होते हैं, तो उनके थ्रोट यानी गले में जो है जो भी सॉफ्ट टिश्यू है उस टिश्यू में ये जो मतलब कि बहुत ज्यादा शार्प टिप वाले क्रिस्टल्स हैं ये पेनिट्रेट कर जाएंगे, एंड
एंड ऑइसोफेगस फॉर ऑफ एन हर्बीवोर्स, यानी उन हर्बीवोर्स के गले में जो सॉफ्ट टिश्यू है ना उसके अंदर ये पेनिट्रेट कर जाएंगे. बिसाइड कॉजिंग द मैकेनिकल डैमेज, रैफिड्स में ऑल्सो अलाउ अदर टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस बाय द प्लांट टू पेनिट्रेट थ्रू द वुंड दे प्रोड्यूस. इतना ही नहीं, बहुत और भी काम की जाती है. कैसे कि भाई रैफिड्स ने पहले तो उनके नेक में, उनके थ्रोट में जो सॉफ्ट टिश्यू है उसे डैमेज कर दिया, राइट. उसके बाद प्लांट को बोला तू जल्दी जल्दी से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर, ताकि ये जो छोटे छोटे से मैंने होल कर दिया है पेनिट्रेट करके, उससे जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उस हर्बीवोर के अंदर जो है पेनिट्रेट करें और उसको और ज्यादा नुकसान हो. ठीक है, तो कलेक्टिवली यहाँ पे काम किया जा रहा है कि टॉक्सिक कंपाउंड को भी सिक्रीट किया जा रहा है, ताकि वो जो घाव बनाया गया है हर्बीवोर के गले में उससे जो है अलग अलग और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस जो किए जा रहे हैं प्लांट के द्वारा, वो टॉक्सिन्स उस हर्बीवोर के थ्रोट में जो है पेनिट्रेट कर जाए और उस हर्बीवोर को और ज्यादा नुकसान झेलने को मिले. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको समझ में आ रही है कि प्लांट की कितनी ज्यादा कोशिशें होती हैं खुद के जान को बचाने के लिए. ठीक है, यस, बेचारा खुद का इसका कोई डॉक्टर भी नहीं होता है ना. ओके, इसके अलावा आपको याद होगा हमने रेजिन्स के बारे में बात किया था. कौन बताएगा मुझे रेजिन्स के बारे में, हमने कहाँ पे बात किया था और क्यों बात किया था? यस, ये जो रेजिन्स का मैंने नोट दिया है ये वही नोट है जो मैंने 4 दिन पहले आपको पढ़ाया था रेजिन्स के बारे में. कहाँ पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था कि जो जैस्मोनिक एसिड होता है वो रेजिन्स के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, तब हमने रेजिन्स के बारे में पढ़ा था, राइट. और जो ये रेजिन प्लांट में जो रेजिन डक्ट्स होते हैं उन डक्ट्स में बहुत से अलग अलग टाइप के हमको कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें से हमको जो है कार्डिनिन देखने को मिल सकता है, लॉन्गिफोलिन देखने को मिल सकता है, एबियोटिक एसिड देखने को मिल सकता है, टार्पिनोलिन देखने को मिल सकता है, अल्फा पाइनिनिन भी देखने को मिल सकता है. तो ये सब जो है हमको रेजिन डक्ट में मिलने वाले कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, और जब ये सिक्रीट होते हैं तो ये जो है हर्बीवोर को रिपल करने का काम करते हैं. यानी जिन प्लांट्स में ये रेजिन प्रोड्यूस हो रहा है और इस रेजिन्स में ये सारे कंपोनेंट हैं, तो एनिमल जो आएगा प्लांट को खाने के लिए वो उस प्लांट को अवॉइड करेगा खाने से, क्योंकि ये रिपेलेंट होते हैं, यानी दूर भगाने का काम करते हैं हर्बीवोर्स. बिल्कुल, जैस्मोनिक एसिड में हमने देखा था. ठीक है, तो यही चीज यहां भी मेंशन कर दी गई है. ओके, चलो, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बैक स्टोरी बता रही थी कि प्लांट किस हद तक कोशिश करता है खुद की जान बचाने के लिए. चलिए अब समझते हैं मेटाबोलाइट्स के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर ये प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. तो देखिए, प्लांट जो है बहुत वैरायटी ऑफ केमिकल को प्रोड्यूस कर सकता है, और उन केमिकल को हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में डिवाइड करते हैं. प्राइमरी का मतलब भी होता है जो कि फर्स्टली काम करे, सबसे पहले काम करे, और सेकेंडरी का मतलब हो गया जो कि पहले के बाद काम करे या पहले के बाद सिक्रीट हो, राइट. तो जैसा नाम है वैसा ही काम है. जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्लांट प्रोड्यूस करता है, और वो कंपाउंड डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्लांट को ग्रोथ देने में, सर्वाइवल, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सब इवेंट को करवाने में एंड कंप्लीट करने में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स काम करते हैं. ये क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि ये शुगर हो सकते हैं, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड, एज वेल एज लार्ज यूनिट मेड ऑफ देम सच एज द प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, मेम्ब्रेन्स, डीएनए, आरएनए. इन सब को हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि इनके बिना प्लांट की जिंदगी जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, वो सर्वाइवल नहीं अपना कर दे पाएगा, क्योंकि ये सारे फैक्टर उसको सर्वाइव करवाने के लिए, ग्रो करवाने के लिए, डेवलप करवाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. जनरली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को देखा जाता है कि ये लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं कंपेयर टू द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ओके, लेकिन जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की हम बात करते हैं तो इसे हम स्पेशलाइज्ड मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं. ये बहुत ज्यादा स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, और ये प्लांट को मदद करते हैं प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड करने में, पेस्ट और पैथोजन के खिलाफ रिस्पॉन्स देने में. इनको अक्सर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज टारपिनोइड्स, फिनोलिक्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसका एक एग्जाम्पल है दैट इज एल्कलॉइड्स. ये 3 मेजर कैटेगरी है कि टारपिनोइड्स, फिनोलिक्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसका एक एग्जाम्पल हो गया एल्कलॉइड्स.
तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं ये भी प्लांट के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, कभी इंटरमीडिएट में मिल जाते हैं, कभी अलग से इनको प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन ये प्लांट को एक्चुअल में डिफेंस प्रोवाइड कर सकते हैं अगेंस्ट द पैथोजन एंड पेस्ट। ठीक है बाबा जी, हमने कब कहा कि कैटरपिलर गलत काम कर रहा है? कैटरपिलर अपना काम करेगा, प्लांट अपना काम करेगा, है ना? सबको जीने का हक है, सब अपने हक के अकॉर्डिंग लड़ेंगे, और जैसे कि कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो हर्बीवोर। ओके, कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? कुछ ऐसे भी फाइटो हॉर्मोन्स हैं जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों में चले आते हैं। कोई मुझे कुछ एग्जाम्पल बताना चाहेगा? हाँ जी, एनिमल आपने सुना होगा, एब्सेसिक एसिड, जिब्रिलिंस, ये सब क्या थे? ये सब हमको जो है एक तरीके से, ये जो कंपाउंड्स हैं ये हमको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की भी कैटेगरी में मिलते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की भी कैटेगरी में देखने को। ठीक है, तो हमें कभी कभी जो है ओवरलैप भी देखने को मिल सकता है कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड है, क्योंकि फाइटो हार्मोन जो है वो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म का पार्ट हो जाता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का पार्ट हो जाता है, क्योंकि वो प्लांट में ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में डालते हैं। तो इसी केस में एक्सेप्शन आ जाता है कि कुछ फाइटो हार्मोन ऐसे हैं जो दोनों रोल प्ले करते हैं, दैट इज प्राइमरी भी एंड सेकेंडरी। ठीक है, जिसका हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है क्या? दैट इज जिब्रेलिक एसिड, टारफिनस, ओके सॉरी, जिब्रेलिक एसिड एंड एब्सेसिक एसिड। अब बात करते हैं कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। अभी हमने समझा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, इनको जो है कॉमन तरीके से, बहुत वैरायटी ऑफ तरीका है इनको डिवाइड करने का, हमने सबसे कॉमन तरीका लिया है इनको डिवाइड करने का। कॉमन तरीके में चले आते हैं, पहला चला आता है टारपिन। टारपिन एक ऐसा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसमें आइसोप्रीन यूनिट होता है, इसीलिए हम इसे आइसोप्रीनॉइड कंपाउंड भी कहते हैं। इसमें आपको बहुत से हॉर्मोन्स देखने को मिलेंगे, पिगमेंट्स, एसेंशियल ऑयल, स्टीरॉइड्स, रबर, और भी बहुत से कंपाउंड आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिनोलिक जो है ये एक ओएच कंटेनिंग कंपाउंड होता है, बेंजीन रिंग पे ओएच लगा होता है, जिनमें कि आपको बहुत से काउमेरिन्स, फ्लेवेनॉइड्स, लिग्निन, टैनिन, ये सब देखने को मिलेगा। फिर आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आपके पास चले आते हैं एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, जिनमें कि ग्लाइकोसाइड्स में चले आते हैं सेपोनिन्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, फिर चले आते हैं ग्लूकोसिनोलेट्स एंड नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड। अब अगर देखा जाए तो हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोर्शन हम कवर अप करेंगे वो करेंगे कौन कौन सा टाइप, चलिए मैं बता देती हूँ। एन कंटेनिंग कौन कौन से होते हैं? एन कंटेनिंग में चले आते हैं क्लासेस, दैट इज एल्कलॉइड्स, फिर चले आते हैं ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स में ही एग्जांपल चला आता है आपका, दैट इज साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। इसी में चले आते हैं आपके ग्लूकोसिनोलेट्स, एंड देन चले आते हैं नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स, जिनमें से हम जो आपके सिलेबस वाइज कवर करके चलेंगे वो होगा एल्कलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ये हो गई तीन मेजर क्लासेस जिसके बेसिस पे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी को देखते हैं। ओके, तो कुछ बातें कर लेते हैं अबाउट दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो देखिए, काफी लंबे टाइम तक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा नहीं गया, जब इनके बारे में खोज वगैरह चल रही थी। तो
माना गया कि ये मेटाबॉलिक पाथवे का वेस्ट होते हैं और साथ ही साथ ये एक फंक्शनलेस इंटरमीडिएट है। मतलब कि जब ये बनते हैं तो किसी इंटरमीडिएट पाथवे से ये बन सकते हैं, लेकिन इनका कोई काम नहीं है। और बोला गया कि जो एंड प्रोडक्ट होता है प्राइमरी मेटाबॉलिज्म का, प्राइमरी मेटाबोलाइट फॉर्मेशन का, उस एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हमको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिल सकता है और ये किसी काम का नहीं है, ये बोला गया। आगे चल के जब धीरे धीरे इनपे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता गया तो पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो बन रहे हैं एक्चुअल में उनका बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ फंक्शन है। जैसे कुछ फंक्शन सामने रखा गया कि इनका जो रोल है वो मेडिसिन में हो सकता है। जिस टाइम पे डिस्कवरी हुई एस्पिरिन की, दैट इज एसिटाइल सैलिसिलेट की, एज अ डिफेंसिव कंपाउंड डिस्कवर किया गया फाइटोएलेक्सिन को, ये एक डिफेंस कंपाउंड की तरह काम करता है। इसके अलावा ऐसे भी कंपाउंड को डिस्कवर किया गया जो कि अनवांटेड प्लांट के जर्मिनेशन एंड ग्रोथ को रोकता है अपनी विसिनिटी में, जिसे हम एलीलोपैथी कहते हैं। यूवी से प्रोटेक्शन देता है, और भी बहुत से मल्टीपल फंक्शन हमको देखने को मिले इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। और पता चला कि नहीं, ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये एक तरीके से प्लांट को मदद कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ एडेप्टेशन करने में, अपने इन्वायरमेंट के साथ तालमेल बिठा के चलने में, और जैसे ही इन्वायरमेंट उनको सिचुएशन देती है उस सिचुएशन से लड़ने में मदद कर रहे हैं। तो ये प्लांट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम कर सकते हैं और प्लांट को सर्वाइवल देने में मदद कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग देम। ठीक है, अब रोल के बारे में, जैसे कि हमने कहा बहुत वैरायटी ऑफ रोल होते हैं इनके, मतलब बहुत वैरायटी ऑफ फंक्शंस है। इन जनरल अगर देखा जाए तो ये जो है प्लांट में जब प्रोड्यूस होते हैं तो ये प्लांट को किस किस से बचा सकते हैं, हर्बीवोर से बचा सकते हैं, माइक्रोबियल पैथोजन से बचा सकते हैं, यानी एक तरीके से डिफेंस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा ये प्लांट्स में जो है कलर, स्मेल, टेस्ट दे सकते हैं स्पेशली ऑर्गन्स को जहां पे भी ये प्रेजेंट रहेंगे। ये अट्रैक्टेंट की तरह काम कर सकते हैं कुछ पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, साथ ही साथ फ्रूट एंड सीड डिस्पर्जल में भी मदद करते हैं ये। इनमें से बहुत से ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि प्लांट प्लांट कॉम्पिटिशन के टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, यानी एलीलोपैथी के टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, और साथ ही साथ प्लांट माइक्रोबियल सिम्बायोसिस भी करवाने में मदद करते हैं, दैट इज इन द रूट नोड्यूल। अच्छा, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये रूट नोड्यूल के बारे में जो बात हो रही है, कोई मुझे बताएगा किस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात हो रही है? एनीवन बताइए जरा। इसके अलावा देखा गया कि इनका बहुत सा रोल जो है मेडिसिनल फील्ड में हो सकता है, जैसे कि हमने कंपाउंड देखा एस्पिरिन, ठीक है, तो इस तरीके से जो कि पेन रिलीफर के फॉर्म में काम कर सकता है, एनाल्जेसिक की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल मतलब कि हमने एक रफ तौर से समझने की कोशिश की कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतने वैरायटी ऑफ इसके फंक्शंस हैं प्लांट में, तो इसको क्यों ना पढ़ें। प्लांट को ये डिफेंस दे रहा है, यूजफुल फंक्शंस करवा रहा है, और मेडिसिनल प्रॉपर्टी मतलब मेडिसिनल फील्ड में भी जो है ये अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। बिल्कुल, किसी ने कहा है ना, मुझे बढ़िया आंसर नहीं पता अभी तक, पता करके आएंगे और आप बताएंगे। रूट नोड्यूल के फॉर्मेशन में बोला है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मदद करता है, अभी भी सही आंसर नहीं मिला है। कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मदद करता है रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन? पुराने बच्चों को जिन्होंने मुझसे पहले भी पढ़ा है उनको पढ़ाया गया है क्लास में, लेकिन मेमोरी किसी की काम नहीं कर रही है। भाई जैस्मोनिक एसिड को हमने क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स डिक्लेयर किया, जो लगे हुए हो आप लोग जैस्मोनिक एसिड बोलने में? कम से कम सवाल तो सुनो, क्या बोला गया है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मदद करता है रूट नोड्यूल के फॉर्मेशन में। आप साइटोकाइनिन बोल रहे हो, स्टिगोलेक्टॉन बोल रहे हो, उसके बाद जैस्मोनिक एसिड बोल रहे हो, हमने इनको क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में डाला है? दीज आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्या कर रहे हो आप लोग, ना सवाल समझ रहे हो बस जवाब दिए जा रहे हो। बिल्कुल, एक जवाब मुझे मिला, दैट इज फ्लेवोनॉइड्स। यानी कौन सी कैटेगरी? फ्लेवोनॉइड्स मतलब कि फिनोलिक्स कैटेगरी। आइसोफ्लेवोनॉल्स वगैरह सिक्रीट नहीं होता है, जो कि एक तरीके से
बैक्टीरिया यानी जो जो आसपास रूट के आसपास जो कि राइजो बैक्टीरिया होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है रूट हेयर की तरफ, तब जाके वो कॉलोनाइज करते हैं। सब भूल गए क्या कर रहे हो? ये फिनोलिक्स कैटेगरी में आता है, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे, समझते हैं टारपीन्स के बारे में, पहला क्लास लेते हैं, ठीक है? अभी तक सभी को समझ में आ गया, बेसिक्स चल रहा था अभी तक फिलहाल में। अभी यहां से शुरू होता है टाइप टारपीन्स, सबसे पहला वाला प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दैट इज टारपीन्स। ओके, टारपिन्स क्या है? टारपिन्स एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, राइट? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आइसोप्रीन नाम के यूनिट से मिलकर बना होता है। आइसोप्रीन जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक माने जाते हैं टारपिन्स के। ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक है? 5 कार्बन से मिलकर बने होते हैं, और 5 कार्बन से मिलके बने हैं देखिए, और इनको हम कहते हैं आइसोप्रीन यूनिट। टारपीन जो है ये एक बहुत ही ज्यादा लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्स क्लास माना जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, जिसमें लगभग 25,000 से भी ज्यादा कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है? इनिशियली जो है इस टारपीन को, स्टारपिन कंपाउंड को हम लोगों ने मतलब कि टारपिन कहा, बिकॉज इसका जो पहला कंपाउंड था इस ग्रुप का वो आइसोलेट किया गया था टर्पिंटाइन ट्री से, जिसे हम पाइन ट्री कहते हैं, और इसीलिए इसका नाम टारपिन रख दिया गया। अगर देखा जाए तो ये नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं कॉनिफर से, कॉनिफर ट्री से, हायर प्लांट से, एनिमल से, एंड आर ऑफन कैरेक्टराइज बाई देर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और ये वॉलेटाइल होते हैं नेचर में, यानी हवा में उड़ सकते हैं, यानी इनकी जो पार्टिकल होते हैं ऑर्डर पार्टिकल वो हवा में मिक्स हो सकते हैं, वॉलेटाइल हो सकते हैं, वॉलेटाइल होते हैं नेचर में, यानी वेपर में मिक्स हो जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग जो इनके पास ऑर्डर है यानी स्ट्रॉन्ग जो स्मेल होती है, यही स्मेल हर्बीवोर को या प्रीडेटर को प्लांट से दूर भगाती है। उतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल को जो है हर्बीवोर जो प्लांट पे अटैक करने आता है, उतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल को वो ले नहीं पाता है। तो जो प्लांट में टारपीन प्रोड्यूस हो रहे हैं उन प्लांट पे जल्दी हर्बीवोर या फिर प्रीडेटर अटैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इस स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। और इस तरीके से प्लांट खुद को जो है समहाउ कुछ हद तक बचाने में मतलब कि सक्सेसफुल हो जाता है। ये जो वॉलेटाइल नेचर है इसकी वजह से जो है बहुत सा फ्रेग्रेंस मिलता है हमको प्लांट एज वेल एज फ्लावर में, क्योंकि फ्लावर में से खुशबू कैसे आती है, क्योंकि उसके जो सब्सटेंस है वो वॉलेटाइल है नेचर में। जैसे कि आपने देखा होगा, आप बहुत सारा गुलाब एक जगह लगा के रखते हो, रोज प्लांट एक जगह लगा के रखते हो, वहां से गुजरोगे आपको वहीं से स्मेल आने लगेगी, क्योंकि उसके पार्टिकल वॉलेटाइल है, हवा में मिक्स होते हैं। इसीलिए टारपिन को अगर देखा जाए तो ये लाइपोफिलिक नेचर होता है इसका, यानी लिपिड लविंग मॉलिक्यूल है जो आइसोप्रीन यूनिट का बना है, और इसीलिए इसको हम आइसोप्रिनोइड्स भी कहते हैं। टारपिन का जब किसी भी तरीके से आप मॉडिफिकेशन करते हो, जैसे कि हो गया ऑक्सीडेशन या रीअरेंजमेंट करते हो उसके कार्बन एटम का, तो इसमें इसका जो हमको प्रोडक्ट फाइनली मिलता है उसे हम टारपिनोइड्स कह सकते हैं। टारपिन एक तरीके से हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल ही है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के ही मिलके बने हुए हैं, जबकि टारपिनोइड्स या फिर आइसोटारपिनोइड्स ये भी टारपिन ही है, लेकिन इनके पास एडिशनल फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, कीटोन ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। जब तक आप टारपिन कहते हो आप समझ लो बोल रहे हो कि कार्बन और हाइड्रोजन का मिलके बना हुआ एक कंपाउंड है, लेकिन जब आप टारपिनोइड बोलते हो समझ लीजिए उसके साथ कुछ फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो गए हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, कीटोन ग्रुप या फिर एल्डिहाइड ग्रुप उनके स्ट्रक्चर में आ गए हैं। तो ये था एक बेसिक आइडिया अबाउट दी टारपिन्स। अब समझते हैं ये टारपिन कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, कौन कौन से हमको पौधों में मिल सकते हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। तो
तो एक लिस्ट आपके सामने रखी है, ये एक छोटी सी लिस्ट है। जैसे कि टारपिन का प्रेजेंस जो है आपको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल सकता है, जहां पर ये फोटोसिंथेसिस में मदद कर सकता है। एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे इसका फाइटोल टेल ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है यहाँ पे ये एक टाइप का टारपिन माना जाता है। प्लास्टो क्यूनॉन जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में मदद करता है वो भी एक टारपिन है। कैरोटीनॉइड्स जो कि फोटो प्रोटेक्शन देते हैं वो भी टारपिन है। यूबीक्यूनॉन जो कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में मदद करता है वो भी एक टारपिन है। स्टेरॉल जो कि सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन रखने में मदद करता है, दैट इज ऑल्सो अ टारपिन। विटामिन ए जो कि पिगमेंटेशन एंड एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर सकता है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टारपिनॉइड। नेक्स्ट, इसके अलावा वेरियस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में काम आने वाले फाइटो हार्मोन जैसे कि हो गया जिब्रेलिक एसिड, एब्सेसिक एसिड, ये भी क्या है, ये भी टारपिन ही है। तो आपने देखा इतने वैरायटी ऑफ टारपिन्स जो हैं, और अगर आप नाम देखोगे तो शायद आप ये सारे नाम सुन चुके हो। आप क्लोरोफिल आपने सुना है, प्लास्टोक्यूनॉन सुना है, कैरोटीनॉइड, यूबीक्यूनॉन, स्टेरॉल, विटामिन ए, फाइटो हार्मोन, ये नाम आपने सब सुना है, लेकिन आपको इससे पहले ये नहीं पता था कि ये भी टारपिन्स हैं। क्लियर? कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कहानी इतनी ही खत्म नहीं होती है, और भी बहुत वैरायटी ऑफ एरिया में इनका प्रेजेंस देखा गया है। जैसे कि टारपिनॉइड जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं फ्लेवर ऑफ क्लोव्स। क्लोव्स यानी क्लोव्स को क्या कहते हैं बताओ जरा, देखती हूँ जरा क्या क्या पता है। टारपिनॉइड जो है क्लोव्स को फ्लेवर देता है, सिनेमन को फ्लेवर देता है, जिंजर में फ्लेवर ऐड करता है, सनफ्लावर के पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ टोमेटो के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बताओ इन सभी जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा है इन सभी में जो है टारपिनॉइड प्रेजेंट है। कहीं पे कलर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कहीं पे पिगमेंटेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है, और कहीं पे फ्लेवर कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिल्कुल, क्लोव्स आर व्हाट, लॉन्ग, ठीक है। सिनेमन क्या हो गया, दालचीनी, जिंजर, अदरक, ठीक है। तो इन सब में जो फ्लेवर आता है ना हमको, वो टारपिनॉइड्स की वजह से आता है। बताओ अभी तक हम कभी अदरक को कूटने से पहले ये चीज सोचते नहीं थे कि इनमें टारपिनॉइड्स होते हैं। सेम गोज विथ क्लोव्स एंड सिनेमन, है ना। चाय में क्लोव जाता है, जिंजर जाता है, सो कूटने से पहले हम ये नहीं सोचते हैं कि इसमें टारपिनॉइड है, ठीक है, याद रहेगा। तो चलो आगे और देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। जिम्नोस्पर्म जैसे कि हो गया पाइन ट्री एंड कॉनिफर्स, दे इनहिबिट पैथोजन एंड हर्बीवोर अटैक बाय सिक्रीटिंग द मिक्सचर ऑफ टारपिनॉइड्स विच एक्ट एज अ रिपेलेंट, अल्टीमेटली कंसोलिडेट एंड फंक्शन एज अ मैकेनिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट वुंड, ठीक है। तो देखने को मिला कि जो जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी है, जैसे कि हो गया पाइन ट्री, कॉनिफर्स, ये क्या करते हैं, ये मिक्सचर ऑफ टारपिनॉइड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको स्मेल करके हर्बीवोर जो है इनको अटैक ही नहीं करता है, वो इनसे दूर भागता है कि भागो, इधर ये वाली चीज खाने लायक नहीं, इसको हम अटैक नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, टारपिन एंड टारपिनॉइड जो है आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसेंशियल ऑयल। लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होगा एसेंशियल ऑयल्स के बारे में, राइट। आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो टारपिन एंड टारपिनॉइड्स दोनों ही जो हैं हमको एसेंशियल ऑयल में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हो गया यूकलिप्टस का ऑयल हो गया, साथ ही साथ जो रेजिन्स हमको जिम्नोस्पर्म से मिल रहे हैं उनमें भी ये देखा जाता है, एज वेल एज ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बिकॉज ये लाइपोफिलिक नेचर है, लिपिड लविंग मॉलिक्यूल है, अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा था, इसलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास अबाउट सम टारपिन फंक्शंस एज वेल एज एग्जांपल, लेकिन ये एग्जांपल यही खत्म नहीं होते हैं, और भी बहुत से एग्जांपल हैं। कॉमन एग्जांपल आर माइरीन इन द पाइनस, मेंथॉल इन द मेंथा लीव्स, कैनाबिनॉइड्स इन द कैनाबीज, एजाडायरेक्टिन इन नीम प्लांट, एंड गिंक गोलिड एंड बिलोब्लिड ऑफ गिंको बिलोबा, रबर ऑब्टेन फ्रॉम द हेवा ब्रेसिलिसी इज द लॉन्गेस्ट टारपिन।
इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल है टारपिन के, जैसे कि माइरीन हो गया, मेंथॉल हो गया, कैनाबिनॉइड्स हो गया, एजा डायरेक्टिन हो गया, गिंगोलिड्स हो गया। इसके अलावा जो रबर प्लांट है, ठीक है, रबर जो हमें ऑप्टेन होता है, रबर भी जो है एक लॉन्गेस्ट टारपीन माना जाता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके टारपीन के हैं। और भी कुछ अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ऐड करना चाहूं, जैसे कि मोनोटारपीन का एग्जाम्पल हो गया मेंथॉल या लिनालॉल, ये इसके सोर्स प्लांट भी बता के रखे हैं। जैसे कि मेंथॉल हमको कहां से मिलता है, प्लांट जरा दिखाती हूं, देखिए जरा इस प्लांट को पहचानते हैं आप? हाँ जी, यस, इस प्लांट को पहचानते हैं? कौन सा प्लांट है? पुदीना, राइट। तो ये जो यहाँ पे मिंट लीव्स हैं, इनमें से हमको मेंथॉल मिलता है, जो कि क्या है, जो कि एक टाइप का टारपीन है। हमको लेमन में लिमोनिन मिलता है, जो कि अगेन क्या है, टारपीन है। ठीक है, तो इतने वैरायटी ऑफ हमको एग्जांपल देखने को मिल गए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, मैं अभी नाम पे फोकस नहीं करना चाहूंगी, जैसे कि हो गया मोनोटारपीन, सेस्क्विटारपीन, डाइटारपीन। तो ये अभी कुछ हमने एग्जांपल पढ़ा, इस लिस्ट को अभी होल्ड पे रखे, इसलिए इस लिस्ट को हम दोबारा से समझेंगे, लेकिन पहले ये नामकरण समझने के बाद कि नामकरण क्या दिए गए हैं। लेकिन आपने देखा, जैसे कि अभी अभी हमने कहा था कि इसमें जो है 25,000 से ज्यादा कंपाउंड इस कैटेगरी में आते हैं, तो ये जो एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो ये तो कुछ भी नहीं है, राइट। चलिए अब समझते हैं जरा सा इनके नामकरण के बारे में, इनको नेमिंग कैसे दी जाती है। जैसे कि हमने कहा टारपीन एक हाइड्रोकार्बन है, यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन का मिलके बना हुआ कंपाउंड है। एक आइसोप्रीन यूनिट का मतलब होता है 5 कार्बन कंपाउंड, और याद रखिएगा 5 कार्बन कंपाउंड को हम नेमिंग प्रोसेस में कहते हैं हेमी टारपीन। हेमी यानी आधा, तो अगर 5 को हम आधा कह रहे हैं तो कितने कार्बन को हम पूरा कहेंगे, यानी हेमी से अगर मुझे मोनोटारपीन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एनीवन? हेमी मींस आधा, राइट। तो 5 कार्बन कंपाउंड को हम हेमी टारपीन कहते हैं। तो अगर मुझे हेमी से पूरा टारपिन बनाना है, यानी मोनो टारपिन बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस 5 में और 5 कार्बन ऐड करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हेमी प्लस हेमी, हाफ प्लस हाफ फुल हो जाएगा, राइट। हेमी प्लस हेमी मोनो हो जाएगा, तो यानी एक और हेमी टारपिन लेना पड़ेगा। और जब आप इस तरीके से 10 कार्बन वाला कंपाउंड देखोगे तो इसे हम कहते हैं मोनो टारपिन, ठीक है। लॉन्गेस्ट टारपिन का मतलब होता है जिसके पास सबसे ज्यादा आइसोप्रीन यूनिट होगी, जिसके पास सबसे ज्यादा आइसोप्रीन यूनिट वो उतना ही लंबा टारपिन। जैसे कि इसके पास मोनोटारपिन के पास कितने हैं, 10 कार्बन है। मोनोटारपिन के पास 10 कार्बन है और कितने आइसोप्रीन यूनिट होंगे? अगर एक आइसोप्रीन यूनिट 5 कार्बन का है तो मोनोटारपिन में कितने आइसोप्रीन यूनिट होंगे? तो 5 + 5, राइट। और अगर मुझे इस मोनोटारपिन को 15 कार्बन कंपाउंड में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, तो मैं एक और कार्बन, एक और आइसोप्रीन यूनिट ऐड कर दूंगी, जिससे कि मुझे क्या मिल जाएगा, जिससे मुझे मिल जाएगा 15 कार्बन का कंपाउंड। 15 कार्बन के कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं सेस्क्विटारपिन, ठीक है। इसे हम सेस्क्विटारपिन कह सकते हैं। और सेस्क्विटारपिन कितने आइसोप्रीन यूनिट का बना है? 3 आइसोप्रीन यूनिट का बना है, ओके। अब इस सेस्क्विटारपिन में मैं एक बार और 5 कार्बन ऐड कर देती तो कितना कार्बन बन जाएगा? 20 कार्बन बन जाएगा। अगर मैं 10 को मोनो कह रही हूं तो मैं 20 को क्या कहूंगी? 20 को मैं डाई कहूंगी, तो ये हो जाएगा डाई टारपिन।
और डाई टारपिन में कितने आइसोप्रीन यूनिट होंगे? डाई टारपिन में मुझे मिलेंगे 4 आइसोप्रीन यूनिट। समझ में आ रहा है? 4 आइसोप्रीन यूनिट मिलेंगे। अब इसी तरीके से मैं इसी तरीके से अगर 5-5 कार्बन ऐड करते जाती हूं, मैं बहुत लंबे लंबे आइसोप्रीन यूनिट को यूज करके मैं बहुत लॉन्गेस्ट जो टारपिन है उसे भी ऑब्टेन कर सकती हूँ, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है रबर। तो वही चीज यहां बोली गई है कि एक आइसोप्रीन यूनिट मतलब 5 कार्बन, इसको हम नाम देते हैं हेमी टारपिन का। हेमी टारपिन के मतलब कि रियल लाइफ में नेचर में जो एग्जांपल है वो है टिकलिक एसिड, दैट इज एंजेलिक एसिड, आइसोवेरिक एंड सिनोसोइक एसिड। नेक्स्ट, अगर 2 आइसोप्रीन यूनिट है तो हमको 10 कार्बन मिलता है, 10 कार्बन वाले को हम नाम देते हैं मोनोटारपिन। मोनोटारपिन का हमारे पास एग्जांपल हो गया लिमोनिन एंड मेंथॉल, जो कि हमको लिमोनिन लेमन में पाया जाता है और मेंथॉल हमको मिंट में देखने को मिलता है, यानी पुदीने में देखने को मिलता है। अगर आप आइसोप्रीन यूनिट 3 ऐड कर देते हो एक साथ तो आपको मिलेगा कितना, 15 कार्बन का कंपाउंड, जिसे हम बोलेंगे सेस्क्वीटारपिन। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है फर्नेसोल एंड एब्सेसिक एसिड। अगर आप 4 यूनिट ऐसे ही ऐड कर देते हो तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा दैट इज 20 कार्बन का कंपाउंड, जिसे हम कहेंगे डाई टारपिन। एग्जांपल हो गया क्लोरोफिल एंड जिब्रेलिक एसिड। अगर आप 6 यूनिट ऐड कर देते हो तो आपको मिलेगा 30 कार्बन कंपाउंड। 30 कार्बन को हम बोलते हैं ट्राई टारपिन, जिसका एग्जांपल हो गया स्क्वालिन, दैट इज स्टिग्मेस्टेरॉल, ब्रासिनो स्टीरॉइड एंड स्टेरॉल। नेक्स्ट, अगर आप 8 यूनिट ऐड कर देते हो तो आपको मिल जाएगा 40 कार्बन का कंपाउंड, जिसे हम बोलेंगे टेट्रा टारपिन, और ये इसका एग्जांपल हो गया दैट इज कैरोटीनॉइड, यानी कैरोटीन। इसी तरीके से मोर देन 8 यूनिट आप ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा पॉली टारपिन, जिसका एग्जांपल हो गया डॉलीकॉर्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो हमने सब यूनिट्स ऐड किए हैं ना, आइसोप्रीन यूनिट्स ऐड किए हैं, ये है कॉमन आइसोप्रीन नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट जो कि एग्जिस्ट करते हुए मिलते हैं। हर वैरायटी ऑफ टारपिन हमको नहीं मिलता है, जो वैरायटी ऑफ टारपिन हमको मिलता है उन यूनिट्स को हमने यहाँ पे ऐड करके प्रेजेंट किया है। जैसे कि एक और चीज बता देती हूं, अगर 15 कार्बन वाला 2 सब यूनिट ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा 30 कार्बन कंपाउंड। 30 कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं, ट्राई टारपिन कह सकते हैं। 20 कार्बन वाला अगर 2 कंपाउंड ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा दैट इज 40 कार्बन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, टेट्रा कह सकते हैं। एक्चुअल में इनको जो नाम दिया जा रहा है वो इस बेसिस पे दिया जा रहा है कि हाँ कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। बिल्कुल, 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम जिरेनाइल पाइरोफॉस्फेट भी कहते हैं, और 10 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम जिरेनाइल पाइरोफॉस्फेट भी कहते हैं। सिमिलर बेसिस पे 15 कार्बन वाले को हम फर्नेसाइल पाइरोफॉस्फेट भी कहते हैं। तो ये सब हो गया आपके नेमिंग प्रोसेस। ठीक है, ये इसी हिसाब से नाम दिए गए हैं जिस हिसाब से ये सिंथेसाइज होते हैं। ये सारी वैरायटी हमको प्लांट में देखने को मिलती है, इतने ही सारे सब यूनिट्स यानी यूनिट्स आइसोप्रीन यूनिट्स डाल के जो है ये सारे कंपाउंड रेडी किए जाते हैं। तो ये हो गया मतलब कि नेमिंग प्रोसेस। अब ये वाला चार्ट समझ में आ जाएगा हमको। जैसे कि हमने कहा मोनोटारपिन का यहाँ पे एग्जांपल है मेंथॉल एंड लिमोनिन, राइट? जो कि आपको मिंट से और उसके रिलेटिव प्लांट से देखने को मिल सकता है, और फंक्शन के तौर पे देखा जाए तो ये क्या कर सकता है, ये आयन के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर में इंटरफेयर कर सकता है एंड एनेस्थेटिक की तरह काम कर सकता है। नेक्स्ट, अगर हम सेस्क्विटारपिन की बात करते हैं, सेस्क्विटारपिन की अगर हम बात करते हैं तो सेस्क्विटारपिन मतलब कि 15 कार्बन, इसमें हो गया पायरी दैट इज पार्थिनोलिट्स हो गए,
जो कि सोर्स यानी किस प्लांट से पाए जाते हैं, पार्थिनियम प्लांट से पाए जाते हैं, उनके रिलेटिव प्लांट से पाए जाते हैं, और ये कॉज करते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट डाइटार्पिन की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया गॉसिपॉल, ये हमें प्लांट गॉसिपियम से देखने को मिलता है और ये फॉस्फोराइलेशन को ब्लॉक करता है और टॉक्सिक कंसिडर किया जाता है। ट्राइटार्पिन एग्जाम्पल हो गया इसका कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, इसका एग्जाम्पल हो गया डिजिटॉक्सिन, डिगोजिन एंड डिटॉक्सिन, ये डिजिटालिस प्लांट से प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये स्टिमुलेट करते हैं हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन को एंड एल्टर करते हैं आयन के ट्रांसपोर्ट को। टेट्राटार्पिनोइड का एग्जाम्पल हो गया कैरोटीन, ये लगभग सारे ही हायर प्लांट्स में पाया जाता है, ये ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है और प्लांट में एसेसरी पिगमेंट्स में काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम कर सकता है। पॉलीमर्स यानी कि पॉलीटार्पिन की बात करें तो उसमें चला आता है रबर, जो कि हेवा ट्री से देखा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करने में मदद करता है टायर्स का, गैस्केट्स का, फुटवेयर का और भी बहुत सी चीजें जिसमें कि रबर का इस्तेमाल होता है। स्टेरॉल जो कि क्या एग्जाम्पल हो गया इसका, दैट इज स्पिना स्टेरॉल, जो कि स्पेनेशिया प्लांट से देखा जाता है, दैट इज स्पिनस से देखा जाता है और ये इंटरफेयर करता है एक्शन ऑफ स्टेरॉल बेस्ड एनिमल हॉर्मोन के साथ। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए आपके पास, ठीक है, और भी एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं और भी एग्जाम्पल आपको शुरू कर देती हूँ, ये देखिए, ठीक है, मोनोटार्पिन, सस्क्विटार्पिन, डाइटार्पिन, ट्राइटार्पिन, टेट्राटार्पिन, पॉलीटार्पिन, सबका यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे कुछ और एग्जाम्पल है मोनोटार्पिन का बताऊं तो दैट इज पायरीथ्रॉइड्स, जिनका की इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी होता है, लेमोनिन एंड कैम्फर जिसका मेडिसिनल यूज होता है, मेंथॉल फ्लेवर देने में मदद करता है, इसके अलावा फर्नेसॉल, ये सब जो है परफ्यूम में एज अ रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सस्क्विटार्पिन में आता है। एब्सेसिक एसिड फाइटोहार्मोन की तरह काम करता है, दैट इज पेंटालिनोलेक्टॉन, ये एक तरीके से जो है एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, गॉसिपॉल एंटी कैंसर ड्रग की तरह काम कर सकता है, कैप्सिडायोल फाइटोएलेक्सिन की तरह काम करता है, आर्टिमिसिन एंटी मलेरियल ड्रग की तरह काम करता है, इस पे जो है ऑलरेडी सवाल भी पूछा गया है आर्टिमिसिन पे, क्योंकि जब आपको याद होगा कि इससे रिलेटेड जो है टू योयो को एक तरीके से नोबल भी दिया गया था रिलेटेड की, हाँ उन्होंने जो है आर्टिमिसिन की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट डाइटार्पिन की बात करें तो टेक्सोल हो सकता है, जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग की तरह काम करता है, कैस्बीन जो कि फाइटोएलेक्सिन है, जिब्रलिन जो कि एक फाइटो हार्मोन है, डाइहाइड्रोल्यूकोडाइन ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, इसके अलावा एबिएटिक एसिड हो गया, टार्पिनोलिन हो गया, अल्फा पाइनिन, डेल्टा कार्डिनिन एंड लॉन्गिफॉलिन, ये सब किसकी तरह काम करते हैं, रीजिन कंपोनेंट्स की तरह काम करते हैं और ये डाइटार्पिन का एग्जाम्पल बनते हैं। ट्राइटार्पिन में चला आता है सिस्टोस्टेरॉल, जो कि मेम्ब्रेन कंपोनेंट है, कार्डिनोलिड्स चले आते हैं जो कि थेरापेटिक यूज रखते हैं, टेट्रा में चलाया प्लांट पिगमेंट जिससे कि हो गया बीटा कैरोटीन, पॉलीटार्पिन का एग्जाम्पल हो गया डॉलिकॉल्स हो गया, प्लास्टोक्यूनॉन हो गया, रबर प्लांट हो गया। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं और इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्पल्स से आते हैं, ठीक है, तो आपको कोशिश ये करनी है जितना आप याद कर पाए उतना याद कीजिए, सारे याद नहीं भी होते हैं तो कॉमन वाले एटलीस्ट याद कीजिए। मैं आपको बता देती हूँ अभी तक किससे किससे सवाल आ चुका है और फ्यूचर में किससे सवाल आने की उम्मीद है, मैं दोनों मिक्स बता देती हूँ आपको, ठीक है। रेड कलर से जो है मतलब कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है और ग्रीन का मतलब हो गया कि फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फ्यूचर के लिए आपको बता देते हैं और जो कि पहले ही पूछा जा चुका है, अभी तक तो इतना ही याद आ रहा है जितना पूछा गया है ऑलरेडी एग्जाम में।
और इनके सोर्स प्लांट भी पूछे गए हैं कहीं कभी कभी। तो जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है उनके कोशिश करने हैं कि जो कॉमन एग्जाम्पल है उसके केस में, कॉमन एग्जाम्पल में हम कौन सा चला आता है, जैसे कि हो गया एब्सेसिक एसिड कॉमन एग्जाम्पल, मेंथॉल कॉमन एग्जाम्पल, इसके अलावा हो गया आर्टिमिसिन कॉमन एग्जाम्पल, जिब्रेलिन कॉमन एग्जाम्पल, बीटा कैरोटीन कॉमन एग्जाम्पल, रबर कॉमन एग्जाम्पल, स्टार इज कॉमन एग्जाम्पल। इसके अलावा आपको और भी बहुत सा मैंने इन जनरल आपको एग्जाम्पल यहां बताया था, यहाँ पे ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन इन एरिया से अभी कम सवाल आए हैं लेकिन फ्यूचर में आने के चांसेस पूरे हैं कि यहां से आ सकते हैं। सिग्नलिंग वगैरह नहीं है इसमें उस्मान, इसमें सिग्नलिंग नहीं है, इसमें आपको एग्जाम्पल अन बायोसिंथेसिस पाथवे, बस यही दो फैक्टर है जो हर एक के बारे में याद रखना है। मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ चीजें याद रखनी है वो कम है इन टर्म्स ऑफ काउंटिंग, लेकिन जो चीजें हमको याद रखनी है वो अपने आप में बहुत बड़ी है, जैसे कि एग्जाम्पल पूरा भरा पड़ा है इसमें, और एक बायोसिंथेसिस पाथवे आपको याद रखना है, और कुछ ज्यादा इसमें याद रखना नहीं होता है। ठीक है, अच्छा मैंने जिसको मार्क किया है उसको आपको कहते हैं ना एक्सक्लूसिव लेके नहीं चलना है, क्योंकि पेपर मैं नहीं बना रही हूं, राइट, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही हूं, और मैं एक ह्यूमन हूं, ह्यूमन एरर पॉसिबल है, तो जो मैं कह रही हूं वो सच हो भी सकता है, यानी कि ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं, फ्यूचर में जिसके चांसेस है वो बताए गए हैं, लेकिन फ्यूचर में इससे भी आ सकते हैं, लेकिन जो हम छोड़ रहे हैं उससे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इससे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए एक्सक्लूसिव लेके नहीं चलना है, बट मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि हाँ किस किस पे आप एक तरीके से फोकस कर सकते हैं। ओके, और भी कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कुछ और भी कहानियां समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल का ही तो पूरा खेल है, और क्या ही इसमें रखा हुआ है। इसके अलावा जैसे कि देखा गया है कुछ मोनोटारपिन्स है, जैसे कि हो गया पायरीथ्रॉल्स, ये एक न्यूरोटॉक्सिन की तरह काम करते हैं इंसेक्ट के लिए, जब कोई इंसेक्ट प्लांट पे अटैक करता है, और ये हमको देखने को मिलता है लीव्स एंड फ्लावर ऑफ क्राइसैंथेमम स्पीसीज। क्राइसैंथेमम जो प्लांट होता है उसमें पायरीथ्रॉइड्स पाया जाता है जिसका इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी होता है, तो जब कोई इंसेक्ट अटैक करता है उस प्लांट पे एज अ हर्बीवोर, तो वो उसके लिए न्यूरोटॉक्सिन की तरह काम करता है और उस इंसेक्ट को जो है एक तरीके से किल कर देता है, हार्म पहुंचा देता है, कौन, ये पायरीथ्रॉइड्स। Although both natural और synthetic pyrethroids जो हैं आज के टाइम में पॉपुलर है एज द इंग्रीडियंट्स इन द कमर्शियल इंसेक्टिसाइड, बिकॉज इनका लो परसिस्टेंस है इन्वायरमेंट में और इनका नेग्लिजिबल टॉक्सिसिटी है मैमल्स। इसके अलावा कुछ वॉलेटाइल मोनोटारपिन्स भी हैं एंड सेस्क्विटारपिन्स भी हैं, जिसे हम एसेंशियल ऑयल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पेपरमिंट में देखने को मिलेगा, लेमन में, बेसिल, सागा आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट दैट कंटेन द एसेंशियल ऑयल विच आर वॉलेटाइल इन नेचर। इन सारे प्लांट्स में जो है आपको एसेंशियल ऑयल देखने को मिलेगा जो कि वॉलेटाइल होते हैं नेचर में। एक और मोनोटारपिन का एग्जाम्पल है दैट इज मेंथॉल, जो कि पेपरमिंट में पाया जाता है एज अ पेपरमिंट ऑयल, और लेमन ऑयल पाया जाता है एज अ लेमोनिन। ये एसेंशियल ऑयल है और ये इंसेक्ट रेपेलेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कोई भी इंसेक्ट अगर इन पे अटैक करता है तो ये इंसेक्ट को रिपल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ नॉन वॉलेटाइल टारपिन भी हैं जो कि एंटी हर्बीवोरस एक्टिविटी रखते हैं, एंड दे आर द कंपाउंड ऑफ लिमोनॉइड्स, जो कि एक ट्राई टारपिन होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये सिट्रस फ्रूट में कड़वापन डालता है, जो खट्टे फ्रूट होते हैं ना उसमें आपने देखा वो बहुत अजीब टाइप का बिटरनेस होता है, उस बिटरनेस के पीछे लिमोनॉइड्स एक्चुअल में रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट मतलब कि इंसेक्ट को रिपल करने वाला कंपाउंड भी देखा गया है, जिसका नाम है क्या, एजाडायरेक्टिन। ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स लिमोनॉइड माना जाता है, और ये नीम ट्री, ठीक है, नीम ट्री से जो है ये प्रोड्यूस होता है, इसीलिए नीम ट्री में भी आपको कड़वापन देखने को मिलता है, और इसके पास जो है पोटेंशियल है
कमर्शियल इंसेक्ट कंट्रोलिंग एजेंट, इसीलिए आज के टाइम पे इसको कमर्शलाइज करके भी इस्तेमाल होता है, जिसमें कि नीम के कुछ मतलब कि कुछ कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, जिससे कि इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी रिलेटेड कुछ भी कंपाउंड्स को बनाया जा सके और उसको इंसेक्ट के खिलाफ यूज किया जा सके, क्योंकि मैमल्स पे इनकी लो टॉक्सिसिटी होती है, इसलिए इजीली इफेक्टिव भी हो जाते हैं। इसके अलावा फाइटो इकोडिसोन भी देखा गया है, जो कि टारपिन कैटेगरी से ही बिलोंग करता है। स्पेशली जब फाइटो इकोडिसोन को जब इंजेस्ट कर लिया जाता है इंसेक्ट के द्वारा, तो इंसेक्ट का जो मोल्टिंग प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब कि आपको पता होगा, इंसेक्ट में सबसे पहले इंसेक्ट का जो फॉर्म होता है वो अलग होता है, बाद में वो धीरे धीरे मेच्योर होकर डेवलपमेंटल प्रोसेस को क्रॉस करते हुए एट फाइनली अपना कोई और फॉर्म ले लेते हैं। तो ये जो मोल्टिंग प्रोसेस है ना, इस मोल्टिंग प्रोसेस को क्या कर सकता है, फाइटो इकोडिसोन जो है एक तरीके से इनहिबिट कर सकता है। आई थिंक इसके बारे में हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मेटामॉर्फोसिस में भी पढ़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये अगेन क्या हो गए, ये अगेन कुछ और एग्जाम्पल हो गए आपके पास टारपीन मॉलिक्यूल्स के। ओके चलो, तो ये हो गया पूरा एग्जाम्पल। अब बात करते हैं टारपिन के बायोसिंथेसिस के बारे में। टारपिन का जो बायोसिंथेसिस है, एक्चुअल में ये बहुत से अलग अलग ऑर्गन में देखने को मिल सकता है प्लांट के, जैसे कि हो गया ट्राइकोम्स में देखने को मिल सकता है, कैविटीज में देखने को मिल सकता है, रेजिन डक्ट में, ब्लिस्टर्स में जो कि प्लांट में पाए जाते हैं उनमें ये देखने को मिल सकता है। टारपिन जो है टोटल दो पाथवे से सिंथेसाइज हो सकता है। एक पाथवे का नाम है मेवालोनिक एसिड पाथवे, MVA पाथवे, एंड मिथाइल इरिथ्रोल फॉस्फेट पाथवे, और एक और दूसरा पाथवे है जिसको हम बोलते हैं मैप पाथवे। ये दो पाथवे के थ्रू जो है टारपिन सिंथेसाइज हो सकता है। मेवालोनिक एसिड पाथवे का यूकैरियोटिक ओरिजिन होता है, जबकि मिथाइल इरिथ्रोल फॉस्फेट पाथवे का प्रोकैरियोटिक ओरिजिन हो सकता है। अब ये कैसे सिंथेसाइज होते हैं, चलिए जरा सा हम समझते हैं। तो ये हैं वो दो पाथवे जिसके थ्रू ये सिंथेसाइज होंगे। जैसे कि एमवीए पाथवे को अगर देखा जाए तो ये साइटोसॉल में देखने को मिलता है। होता क्या है, देखिए इसमें जो है थ्री थ्री मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को ये जो है मल्टीपल इंटरमीडिएट्स के द्वारा कन्वर्ट होता है मेवालोनिक एसिड में। ये जो मेवालोनिक एसिड होता है ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। इसके बाद इस मेवालोनिक एसिड की वजह से इसको नाम दिया गया है एमवीए पाथवे, बिकॉज मेवालोनिक एसिड के लिए ही एमवीए वर्ड यूज होता है, एंड दैट इज वाई हम इसे मेवालोनिक एसिड पाथवे कहते हैं। तो हमें जो है यहाँ पे मेवालोनिक एसिड देखने को मिलता है। इस मेवालोनिक एसिड को पास किया जाता है बाई थ्री अदर मोर प्रोसेस, जैसे कि हो गया पाइरोफॉस्फोराइलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, डीहाइड्रेशन। इन सारे प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, 3 ATP लगता है एंड एक CO2 रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 5 कार्बन का हो जाता है। और एज अ रिजल्ट जो 5 कार्बन का कंपाउंड बनता है ना, वो बनता है IPP, जिसे हम बोलते हैं आइसोप्रिनॉइड यूनिट। ठीक है, IPP ये हो गया, आइसोप्रिनॉइड यूनिट हो गया। अब ये जो IPP है इसे हम आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट भी कहते हैं। दो फॉस्फेट है इसके पास। आईपीपी के बारे में आपने पहले भी सुना है, ये वही आईपीपी है जो हमको सारे अलग अलग डिफरेंट फाइटो हार्मोन के सिग्नलिंग पाथवे में हम इसे एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल यूज कर रहे थे। तो ये इस पाथवे से सिंथेसाइज होता है, दैट इज आईपीपी, आइसोपेंटेनाइल पाइरोफॉस्फेट या आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट, आप जो भी कहना चाहें। तो ये हो गया आपके पास आइसोपेंटेनाइल पाइरोफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब ये आईपीपी क्या करता है, ये आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में अपना आइसोमर बना सकता है, जिसका नाम है DMAPP, डाइमिथाइल एलाइल पाइरोफॉस्फेट, जो कि अगेन 5 कार्बन कंपाउंड है। तो ये अपने आइसोमर में भी चेंज हो सकता है। तो ये या तो आईपीपी फॉर्म में काम करेगा या तो ये DMAPP फॉर्म में काम करेगा। दोनों में से किसी भी फॉर्म में ये काम करे, फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि ये जो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, अगले प्रोसेस में इसमें और 5 कार्बन ऐड होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, 10 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी मोनोटारपिन बन गया। मोनोटारपिन में और 5 कार्बन ऐड किए जाते हैं, यानी एक और आईपीपी ऐड किया जाता है, तो
तो ये बन जाता है एफपीपी, यानी कि ये बन जाता है सेस्क्विटारबेन, यानी 15 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। 10 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम जिरेनाइल पाइरोफॉस्फेट कहते हैं। अब ये 15 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में एक और आईपीपी ऐड हो जाता है जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, और ये बन जाता है जिरेनाइल जिरेनाइल पाइरोफॉस्फेट, यानी 20 कार्बन का कंपाउंड, जिसे हम डाइटारपीन कहते हैं। अगर आप सेस्क्विटारबेन के दो मॉलिक्यूल को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो आपको ट्राइटारपीन मिल जाएंगे, यानी 30 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मिल जाएंगे। और अगर आप डाइटारपीन के दो मॉलिक्यूल को यहाँ जोड़ देते हो तो आपको मिल जाएगा टेट्राटारपीन, यानी कि 40 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मिल जाएंगे। और इसी तरीके से आप सब्सिक्वेंट तरीके से अगर आप एडिशन करते रहे तो आपको मिल जाएगा पॉलीटारपीन। ठीक है, तो यहाँ पे दो बायोसिंथेसिस पाथवे चल रहे थे, एमवीए पाथवे एंड मैप पाथवे। मैप पाथवे जो है कैसे चलता है, चलिए अब इस पे फोकस कर लेते हैं। ओके, एमवीए पाथवे कैसे चला ये पता चल गया, तो अब मैप की बात कर लेते हैं। मैप पाथवे जो है क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड पाइरुवेट, ये मिलके क्या बनाते हैं, मैप बनाते हैं। मैप का कन्वर्जन किस में होता है, डीए में पीपी में होता है। तो इसीलिए चाहे ये पाथवे चले या ये पाथवे चले, उनका ये वाला प्रोडक्ट सेम होने वाला है। और अगर डीए में पीपी बना है तो उसके बाद फिर वही काम होता है, या तो वो डीए में पीपी फॉर्म में ही पाथवे में एंट्री लेगा, या तो वो आईपीपी फॉर्म में कन्वर्ट होकर एंट्री लेगा, और उसके बाद का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। मैप पाथवे को हम डॉक्स पी पाथवे नाम से भी जानते हैं, तो इस बात का ध्यान रहे। और मैप पाथवे को हम नॉन मेवालोनेट पाथवे भी कहते हैं, बिकॉज इसमें मेवालोनिक एसिड नहीं बन रहा है। साथ ही साथ हम इसे मेवालोनिक एसिड इंडिपेंडेंट पाथवे भी कभी कभी कहते हैं। अच्छा, ये जो पाथवे है ये है शॉर्टेस्ट पाथवे जो कि आपके बुक्स में दिया गया है। लेकिन सीएसआईआर क्या कर रहा है, सीएसआईआर अब इंटरेस्टेड हो जा रहा है कि इसके बीच में क्या हो रहा है, इधर पे क्या हो रहा है बीच में। ठीक है, जिसकी वजह से फिर हमको थोड़ा सा रिसर्च पेपर की मदद लेनी पड़ती है, और एक डिटेल वर्जन का भी हमको बायोसिंथेसिस पाथवे देखना पड़ता है। लेकिन बुक में जो अवेलेबल पाथवे है वो है ये पाथवे, अभी तक यही पाथवे अवेलेबल है बुक में अगर आप देखोगे तो। चलिए समझते हैं कि पाथवे कैसे चल सकता है और क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, जो डिटेल अवेलेबल है उस डिटेल के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हम अगर मेवालोनेट या मेवालोनिक एसिड पाथवे के बारे में बात करें तो इसका एक डिटेल वर्जन भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि ये पाथवे जो है यूकैरियोटिक सिस्टम आर्की में भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम प्लांट के बारे में बात करें तो इसलिए हम यूकैरियोटिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। यूकैरियोटिक मतलब कि यहाँ पे हम प्लांट की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं यूकैरियोटिक सिस्टम को लेकर चलती हूँ तो सबसे पहले मेवालोनिक एसिड पाथवे चल कैसे रहा है मैं एक बार लिख देती हूँ, क्योंकि ये मे बी आपको विजिबल ना हो। राइट, ये विजिबल ना हो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, दैट इज एसिटाइल ओ ए। ठीक है, ये क्या करता है, इसका कन्वर्जन होता है दैट इज एसीटो एसिटाइल ओ ए हायोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ये चेंज होता है दैट इज एसीटो एसिटाइल ओए में। ये एसीटो एसिटाइल ओए जो है ये क्या करता है, ये एचएमजी ओए सिंथेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है किसमें, एचएमजी ओए। ठीक है, माधुरी मैं लिख रही हूँ, टेंशन मत, एच एम जी कोए में चेंज होता है। फिर ये जो एच एम जी कोए है ये चेंज, मैं प्लांट वाला पाथवे लिख रही हूँ, जो पाथवे आर्की में चल रहा है उसको मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें प्लांट वाले पे फोकस करना है। बट अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको भी यहाँ पे डिफाइन करके बता दूंगी। एच एम जी कोए से क्या होता है, एच एम जी कोए रिडक्टेज एंजाइम काम करता है। मैं खाली रिडक्टेज लिख रही हूँ क्योंकि पिक्चर में फुल फॉर्म लिखा गया है। तो एच एम जी कोए रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये चेंज होता है दैट इज मेवालोनेट में।
ठीक है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेवालोनेट को हम मेवालोनिक एसिड भी कह सकते हैं. गिव मी अ सेकेंड. मेवालोनेट को हम मेवालोनिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है. इसमें कन्वर्शन हो जाता है. अब ये जो मेवालोनेट है ये क्या करता है, ये मेवालोनेट 5 काइनेज के प्रेजेंस में, काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में चेंज होता है मेवालोनेट 5 फॉस्फेट में. क्योंकि काइनेज है तो 5th पोजीशन पे मेवालोनेट के ये फॉस्फेट ऐड कर देता है, इसलिए मेवालोनेट 5 फॉस्फेट बोल दिया गया है. अब ये जो मेवालोनेट 5 फॉस्फेट होता है क्या करता है, ये फिर से एक काइनेज एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फो मेवालोनेट काइनेज. फॉस्फो मेवालोनेट काइनेज के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, दैट इज मेवालोनेट पाइरोफॉस्फेट. एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया गया. अब क्या होता है, ये जो पाइरोफॉस्फेट काम कर रहा था, अब इसके बाद जो एंजाइम काम करता है वो क्या होता है, वो होता है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम. इसको डी कार्बोक्सिलेज करना है, मेवालोनेट फॉस्फेट को डी कार्बोक्सिलेट करना है. तो हेंस जो एंजाइम यूज होता है वो होता है मेवालोनेट फॉस्फेट डी कार्बोक्सिलेज. अब फिर इसके बाद इसका कन्वर्जन हो जाता है आईपीपी में, और आईपीपी क्या करता है, आईपीपी जो है आइसोपेंटेनाइल पाइरोफॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है. यानी आईपीपी आइसोमरेज में, आइसोमरेज के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें, डीएमएपीपी में. और ये डीएमएपीपी या फिर अलोंग विथ दिस क्या बना सकते हैं, ये अदर टारपीन्स को बना सकते हैं. ठीक है, पता चल गया क्या क्या हो रहा है और कौन कौन से फैक्टर कैसे कैसे काम कर रहे हैं. अब ये क्या था, ये था जो कि यूकैरियोटिक सिस्टम में हो रहा है, प्लांट में चल सकता है ये, ओके. लेकिन अगर मैं कहूं कि आर्की में अगर देखना है तो आर्की में और क्या क्या हो सकता है, देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, मैं इसको लिखूंगी नहीं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं इसको लिखना अवॉइड करती हूँ. ये जो ब्लू वाला है मतलब कि आर्की 2 में बोला गया है. तो मेवालोनिक एसिड जब बन रहा था ना, तो वहीं पे मेवालोनेट 3 काइनेज क्या कर सकता है, 3rd पोजीशन पे भी फॉस्फेट ऐड कर सकता है. फिर मेवालोनेट 3 फॉस्फेट 5 काइनेज जो है वो 5th पोजीशन पे भी ऐड कर सकता है. तो मेवालोनेट 3-5 बिसफॉस्फेट ये हमको कहाँ मिलता है, ये हमको आर्की में देखने को मिलता है. जबकि प्लांट में हमको क्या मिल रहा है, प्लांट में हमको सिर्फ मेवालोनेट 5 फॉस्फेट मिल रहा है, लेकिन मेवालोनेट 3-5 बिसफॉस्फेट हमको आर्की में देखने को मिल रहा है, ओके. इसके अलावा ये जो मेवालोनेट 5 फॉस्फेट बना था उसको भी डायरेक्टली कन्वर्ट किया जा सकता है आईपीपी में इन द प्रेजेंस ऑफ डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम. लेकिन ये आईपीपी में कन्वर्जन ये भी आर्की में देखा जाता है. और आईपीपी से या आइसोपेंटेनाइल फॉस्फेट से डायरेक्टली आइसोपेंटेनाइल पाइरोफॉस्फेट बनना ये भी जो है देखा जा सकता है, दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ आर्की 1. तो यहाँ पे रेड और ब्लू में जो पाथवे दिखाए गए हैं ये आर्की में देखने को मिलते हैं, और ब्लैक में जो पाथवे दिखाया गया है ये यूकैरियोटिक सिस्टम का पार्ट है, इसलिए हमने ब्लैक वाले पे फोकस किया है. ये एक डिटेल पाथवे हो गया. आई थिंक ये आपको विकिपीडिया पे इजीली मिल जाएगा, रिसर्च गेट में भी ये पिक्चर अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है. आप जहां से भी आपको क्लियरिटी मिलती है वहां से देख सकते हैं. इसके अलावा मैं आपको एक और दिखा देती हूँ पिक्चर, ये देखिए, ये थोड़ा सा और डिटेल है. इसको लिखूंगी नहीं, इसको मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ जूम करके. उम्मीद करती हूँ दिख रहा होगा, जो अभी हमने पढ़ा है वही है यहाँ पे भी, बस थोड़ा सा डिटेल में ज्यादा है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एसिटाइल मॉलिक्यूल जो हैं वो थायोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटो एसिटाइल कोए बना रहे हैं. ये हम बना चुके हैं ऑलरेडी अभी अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में. फिर एचएमजी कोए सिंथेस की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, एचएमजी कोए बन रहा है, ये भी हम बना चुके हैं अभी जस्ट. एचएमजी कोए डिडक्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में मेवालोनिक एसिड बन रहा है, ये भी हम बना चुके हैं. मेक श्योर जो एक स्टैटिन नाम का भी एचएमजी कोए इनहिबिटर होता है, अगर आप उसको अप्लाई कर दो तो आप इस पाथवे को रोक सकते हो.
फिर जो मेवालोनिक एसिड होता है मेवालोनेट काइनेज की प्रेजेंस में मेवालोनेट 5-फॉस्फेट बनाता है, ये भी देखा जस्ट अभी। इसके बाद जो है ये एक और काइनेज की प्रेजेंस में 5-पाइरोफॉस्फोलेशन करता है, फिर यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होता है, फिर आईपीपी बनता है, आईपीपी से डाइमिथाइल एसाइल डाइफॉस्फेट बनता है। फिर इस प्रोसेस में जो है देखा जा सकता है कि बिस फॉस्फोनेट इस प्रोसेस को रोक सकता है इस पोजिशन पे, दैट इज फर्नेसाइल डाइफॉस्फेट सिंथेस को रोक सकता है। अच्छा, यहां से अगर आप नाम देखते हैं तो यहां से डाइमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट जो है ये फिर क्या कर सकता है, ये 10 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बना सकता है जिसका नाम है जीरेनाइल पाइरोफॉस्फेट। फिर जीरेनाइल पाइरोफॉस्फेट से क्या बन सकता है, फर्नेसाइल पाइरोफॉस्फेट बन सकता है। फिर फर्नेसाइल पाइरोफॉस्फेट से और भी बहुत से टारपिन बन सकते हैं जो जिनका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ तक। तो ये थोड़ा सा और डिटेल में पाथवे दिखा दिया गया है कि कैसे कैसे जो है पाथवे चल सकते हैं, ज्यादा डिटेल में भी नहीं दिखाया गया है, हमको बस यही चीज डिफरेंट मिली है, बाकी तो सेम ही थी जो अभी अभी जस्ट हमने देखा। तो मोर ऑर लेस तरीके से देखा जाए तो देखिए, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे सिर्फ हमने कह दिया कि भाई तीन चीज बनी और काम खत्म, बट हमको पता है ये तीन चीज कैसे बनी, अभी अभी जस्ट हमने देखा कि ये तीन चीज कैसे बनी, इसके बीच में भी बहुत सा प्रोसेस है जो कि यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हमने कहा कि जो जिब्रेलिक एसिड है ना एबीए है वो भी एक टारपिन है, तो ये टारपिन कैसे बनता है, ये जो स्लाइड बता रही हूँ ये एडिशनल है, ये आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि एक बार आप रिलेट कर पाओ कि ये जो फाइटो हार्मोन था वो टारपिन कैसे कहला रहा है। ठीक है, तो ये है वो पाथवे, सिंथेसिस पाथवे। अब मैं जरा इसको जूम करती हूँ, इस सिंथेसिस पाथवे में देखिए एसिटाइल कोए से मेवालोनिक एसिड बना, फिर मेवालोनिक एसिड पाइरोफॉस्फेट बना, फिर आइसोपेंटेनाइल पाइरोफॉस्फेट बना। अब याद कीजिए इसी आईपीपी से हमको जिब्रेलिन मिल रहा था, इसी आईपीपी से हमको एबीए मिल रहा था, यानी ये आईपीपी बनने के बाद सारा पाथवे जुड़ जाएगा। तो देखिए इस आईपीपी से फिर हमने डाइमिथाइल एलाइल पाइरोफॉस्फेट बनाया, फिर हमने जिरेनाइल पाइरोफॉस्फेट बनाया, फिर फर्नेसाइल पाइरोफॉस्फेट, फिर जिरेनाइल जिरेनाइल पाइरोफॉस्फेट, फिर कोपाइल पाइरोफॉस्फेट, फिर इंटकोरिन बन गया, याद कीजिए जिब्रेलिक एसिड में इंटकोरिन बना था, फिर इंटकोरिनोल बना, फिर इंटकोरिनल बना, देन 7A हाइड्रोक्सीकोरिनिक एसिड बना, फिर एक और इंटरमीडिएट है जिसको अभी फिलहाल में देखा नहीं गया है कि कौन सा है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है, फिर GA12-aldehyde बन रहा था ER में, एंड देन जिब्रेलिन हमको मिलता है, दैट इज डिपेंड करता है कौन सा जिब्रेलिन सिंथिसाइज हो रहा है। तो ये वो पाथवे, इस तरीके से कनेक्टिविटी बनती है, राइट। और इसी आईपीपी से हमको एबीए भी मिल रहा था, तो देखिए इतना ही नहीं इसी आईपीपी से हमको साइटोकाइन भी मिल रहा था, याद कीजिए एबीए जीए साइटोकाइन ये सब आईपीपी मॉलिक्यूल से सिंथेसाइज हो रहे थे, तो अगर ये साइटोकाइन की सिंथेसिस करना चाहे तो आईपीपी जो है एएमपी या फिर एटीपी या तो एडीपी से जुड़ेगा और देन डायरेक्टली ये साइटोकाइन का फॉर्मेशन करेगा बाय यूजिंग दी आईपीटी एंजाइम। और अगर ये एबीए पाथवे को सिंथेसाइज कर रहा है तो आइसोपेंटेनाइल पाइरोफॉस्फेट जो है वो किसमें एंट्री ले जाएगा, दैट इज कैरोटीनॉइड वाले पाथवे में एंट्री ले जाएगा जहां पे बीटा कैरोटीन बनेगा, फिर क्रिप्टोजैंथिन बनेगा, जियाजैंथिन बनेगा, एंथीराजैंथिन, वॉयलाजैंथिन, नियोजैंथिन, जैंथोजिन, एबीएल्डिहाइड एंड फाइनली एबीए बन जाएगा। तो ये एक कनेक्टिंग स्लाइड थी जिससे कि आप कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे हम फाइटो हार्मोन को इनकी कैटेगरी में पुट कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रिकर्सर से ये बन रहे थे मॉलिक्यूल उनको जो है वो प्रिकर्सर एक्चुअल में इस कैटेगरी से बिलोंग करता है इसे। ठीक है, तो ये एक एडिशनल स्लाइड थी लेकिन ऑफ कोर्स आपके एक थोड़े कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए रखी गई थी। ओके, तो ये हो गया आपके टारपिन्स की स्टोरी, टारपिन यहां पे खत्म हो गया। मैंने कुछ एडिशनल स्लाइड्स भी ऐड करके रखी हैं, स्लाइड्स वही हैं जो स्लाइड्स आपको पहले ही समझाई जा चुकी है, तो उन्हीं को थोड़ा सा वर्डिंग्स में यहाँ पे बताया गया है, आप अपने एंड से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आइडिया मिल जाए और कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा आके। ठीक है, ओके, तो ये हमारा पहला कैटेगरी डन हो गया, दैट इज टारपीन क्या होते हैं, कितने एग्जाम्पल थे और बायोसिंथेसिस पाथवे उनका कौन सा था, ये हमने डन कर लिया। अब हमारा शुरू होगा फिनोलिक्स, तो अगर आपको ब्रेक चाहिए तो बता दीजिए। ऑक्सिन, जिल ऑक्सिन बीटा कैरोटीन से बन रहा था,
ऑक्सिन तो मिथियोनिन से बन रहा था ना, अमाइनो एसिड बेस्ड उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है, सॉरी नॉट मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन से बन रहा था, मिथियोनिन से बन रहा था इथिलिन। आज भी मतलब आज का कोई स्पेशल दिन है? हाँ तो खत्म होने वाला था, तो अभी टारपिन कंप्लीट हुआ है, टारपिन के बाद आपका है फिनोलिक्स है, फिर फिनोलिक्स के बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसमें एल्कोलॉइड एंड ग्लाइकोसाइड्स दोनों हैं, तो ये दोनों भी लंबे हैं, ग्लाइकोसाइड्स थोड़ा लंबा है, एल्कोलॉइड छोटा है, फिनोलिक्स फिनोलिक्स भी ज्यादा लंबा नहीं है, देखिए। ये बताइए ये सब याद कैसे करें, देखिए सिंपल सी बात है, जितना याद हो सकता है उतना याद कीजिए, चाहे आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहकर याद कीजिए, मतलब जितना हो सकता है उतना याद कीजिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ याद कर लीजिए क्योंकि सब कुछ शायद याद नहीं हो पाएगा, ये रियलिटी है, ठीक है। तो बीइंग अ टीचर मुझे सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट जितनी आपकी मेमोरी पावर काम करती है उतना आप याद कर लीजिए। मैम ये खत्म होने को 7 PM हो जाएगा, नहीं इतना लंबा भी नहीं है, चलो दिखा देती हूँ कितने स्लाइड्स अभी हैं, ये रहा फिनोलिक्स, फिनोलिक का बायोसिंथेसिस पाथवे, फंक्शन प्रॉपर्टी फिनोलिक्स कंप्लीट, एल्कोलाइड के 4 स्लाइड कंप्लीट, ग्लाइकोसाइड्स के 5 स्लाइड कंप्लीट, ज्यादा लंबा नहीं है, आई थिंक 1.5 घंटा और लगना चाहिए। सबसे लंबा टारपिन था जो कि कंप्यूटर में, उसके बाद सब छोटे छोटे हैं। आप कल भी क्लास लेंगी? नहीं कल मैं क्लास नहीं लूंगी, आई एम टायर्ड लाइक हेल, आई नीड सम रेस्ट लिटरली, वरना आप मैं पागल हो जाऊंगी। मशीन भी चलती है जब लगातार, तो उसको थोड़ा ब्रेक देना पड़ता है, राइट, ये तो बॉडी है।
नेक्स्ट वीक से वाइवा लेंगे संडे टू संडे। चलिए इंजॉय कीजिए वाइवा को। शुरू करें। चलो तो अर्ज किया है ओके तो अर्ज करते हैं हम फिनोलिक्स के बारे में जो कि हमारा सेकेंड क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके फिनोलिक्स टारपिन जैसा बहुत वैसे इसमें भी बहुत से कंपाउंड है बट हम गिने चुने कंपाउंड को टारगेट करके समझेंगे। तो प्लांट जो है वैसे जैसे हमने कहा बहुत से वैरायटी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करता है, उनमें से एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें फिनॉल ग्रुप होता है। फिनॉल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप बेंजीन रिंग पे ऐड कर दीजिए, दैट इज ये बन जाएगा फिनॉल, राइट। तो फिनोलिक्स में फिनॉल ग्रुप कॉमन होता है इसलिए हम इसको फिनोलिक्स कहते हैं। तो हम कहते हैं ये एक OH कंटेनिंग प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ओके इसको डिराइव किया जा सकता है फिनाइल एलानिन टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से, जिसमें से फिनाइल एलानिन सबसे ज्यादा कॉमन तरीके से मतलब कि यूज किया जाता है। प्लांट जो है लार्ज वैरायटी ऑफ लाइक फिनॉल कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सिक्रीट करते हैं और हम इनको जो है नाम फिनोलिक्स कंपाउंड देते हैं या फिनोलिक्स कह सकते हैं। अगर हम फिनोलिक्स को देखते हैं तो फिनोलिक्स में जो है लगभग 10,000 से भी ज्यादा कंपाउंड देखे गए हैं।
कुछ ऐसे होते हैं जो कि सॉल्युबल हैं ओनली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और कुछ वाटर सॉल्युबल कार्बोक्सिलिक एसिड भी हैं, ग्लाइकोसाइड्स भी हैं, और कुछ लार्ज एंड इनसॉल्युबल पॉलीमर के फॉर्म में भी देखे जाते हैं। बहुत सारे फिनोलिक्स का वैरायटी ऑफ फंक्शंस होता है, जैसे कि ये हर्बीवोर के अगेंस्ट में काम कर सकते हैं, पैथोजन के अगेंस्ट में काम कर सकते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, फ्रूट डिस्पर्सर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और नियर बाई प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं। ये सारे फंक्शंस इन जनरल फिनोलिक्स कंपाउंड परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, बायोसिंथेसिस पाथवे के बारे में समझते हैं। इसको सिंथेसाइज करने के लिए दो पाथवे देखे गए हैं। पहले पाथवे का नाम है सिकमिक एसिड पाथवे और दूसरा है मेलोनिक एसिड पाथवे। सिकमिक एसिड एंड मेलोनिक एसिड पाथवे। सिकमिक एसिड पाथवे जो है ये एक्चुअल में बायोसिंथेसिस करवाता है बहुत से प्लांट्स में फॉर फिनोलिक्स, जबकि मेलोनिक एसिड पाथवे जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पाथवे ही है, लेकिन ये आपको फंजाई बैक्टीरिया में देखने को ज्यादातर केस में मिलता है और बहुत ही लेस सिग्निफिकेंस रखता है हायर प्लांट्स के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो सिकमिक एसिड क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से मिलने वाले कुछ इंटरमीडिएट का इस्तेमाल करके एरोमेटिक अमाइनो एसिड में उसको कन्वर्ट करता है और उसके बाद फिर फिनोलिक्स का फॉर्मेशन करवाता है। एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप का हर्बिसाइड देखा गया जिसका नाम है ग्लाइफोसेट, जिसे राउंड अप भी कहा जाता है। ये प्लांट को किल कर सकता है बाय इनहिबिटिंग द बायोसिंथेसिस पाथवे ऑफ फिनोलिक्स। तो फिनोलिक्स के बायोसिंथेसिस पाथवे को ये इनहिबिट करके प्लांट को किल कर सकता है, क्योंकि प्लांट फिनोलिक्स का इस्तेमाल कर रहा है खुद को बचाने के लिए। तो प्लांट में अगर ये बायोसिंथेसिस पाथवे रुक जाता है तो प्लांट खुद को बचा नहीं पाता है अदर टाइप के पैथोजन अटैक से या हर्बीवोर अटैक से। सिकमिक एसिड आपको प्लांट फंजाई बैक्टीरिया सब में देखने को मिल सकता है, लेकिन एनिमल्स में ये देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एनिमल्स में ये जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं लाइक फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ये सिंथेसाइज नहीं होते हैं। इसीलिए आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो चीज सिंथेसाइज नहीं होती है वो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट का पार्ट बन जाती है। तो जिसकी वजह से अगर ये सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि फिनोलिक्स जो है फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, इनको यूज करके बनता है और यही हमारी बॉडी में बनते नहीं है, तो कहाँ से हमारी बॉडी में जो है फिनोलिक्स बनेगा। तो हमारी बॉडी में जो है इसीलिए सिकमिक एसिड पाथवे नहीं पाया जाता है, एनिमल की बॉडी में नहीं पाया जाता है, जबकि ये प्लांट फंजाई बैक्टीरिया सब में देखा जाता है। इसके अलावा एक टाइप का फिनोलिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं लिग्नेन या फिर लिग्निन भी कह सकते हैं। इसमें जो है डिटर्जेंट प्रोटीन का रोल होता है, ये प्रोटीन जो है लिग्निन एंड लिग्निन के बायोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये हो गई कुछ बेसिक चीजें अबाउट द बायोसिंथेसिस ऑफ फिनोलिक्स। अब यहाँ पे इसका पाथवे दिया गया है, मैं सबसे पहले आपको इजिएस्ट पाथवे से समझाती हूँ। अगर हम बात करें सिकमिक एसिड पाथवे कैसे चलता है तो ध्यान दीजिएगा। ओके वेट अ मिनट, इथ्रोस 4 फॉस्फेट जो कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से आता है एंड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे से आता है। ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं सिकमिक एसिड पाथवे के प्रेजेंस में फिनाइल एलानिन बनाते हैं। फिनाइल एलानिन फिर पैल एंजाइम की प्रेजेंस में, दैट इज फिनाइल अमोनिया लाइज एंजाइम की प्रेजेंस में, ट्रांस सिनामिक एसिड बनाता है। फिर ये ट्रांस सिनामिक एसिड सिंपल फिनोलिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस पाथवे को हम सिकमिक एसिड या कोडिस्मेट पाथवे भी कहते हैं। और ये था मेन पाथवे, दैट इज सिकमिक एसिड पाथवे जो प्लांट में रन होता है। इसके अलावा एसिटाइल कोए जो है वो मेलोनिक एसिड पाथवे या फिर हम इसे एसिटेट मेलोनेट पाथवे भी कहते हैं, इस पाथवे के थ्रू फिनोलिक्स बनाता है, जो कि बहुत मेजर सिग्निफिकेंस नहीं रखता है प्लांट के केस में। तो ये दोनों पाथवे हैं जिसके थ्रू जो है फिनोलिक्स हमको सिंथेसाइज होते हुए दिखते हैं। और अगर इनका डिटेल
डिटेल वर्जन अगर देखा जाए तो पहले हम देख लेते हैं बुक में क्या बताया गया है। तो देखिए बुक में भी वही चीजें जो अभी अभी जस्ट आपको बताया कि इरिथ्रोस 4-फॉस्फेट फ्रॉम पीटीपी पाथवे एंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। ये सिक्मिक एसिड के द्वारा जो है फिनाइल एलानिन बनाते हैं, फिर सिनामिक एसिड बनता है। सिनामिक एसिड जो है वो आगे चल के सिंपल फिनोलिक्स बना सकता है, जिसमें एक एग्जाम्पल हो गया लिग्निन, या फिर एसिटाइल कोए मेलोनिक एसिड पाथवे से जो है ये मिसिलिनियस फिनोलिक्स बना सकता है। और इस पाथवे में जो है हमको इन दोनों से ही, यानी सिक्मिक एसिड पाथवे एंड एसिटाइल कोए से, इन दोनों से ही जो है हमको अलग अलग कंपाउंड मिल सकते हैं, जैसे कि हो गया फ्लेवेनॉइड्स, कंडेंस्ड टैनिन, सिंपल फिनोलिक्स, लिगनिन्स। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास एक रफ आइडिया हो गया कि ये दोनों पाथवे किस तरीके से रन कर रहे हैं। अब इसी में, क्योंकि हमने कहा सिक्मिक एसिड पाथवे मेजर पाथवे की तरह काम करता है, तो चलिए इसका डिटेल वर्जन देखते हैं। बुक में यहाँ पे पिक्चर अटैच किया गया है, लेकिन इसी को मैंने यहाँ विदाउट स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया है ताकि आपको दिख सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो फिनाइल एलानिन बना, किसके थ्रू बना? सिक्मिक एसिड के द्वारा बना। कैसे बना? इरिथ्रोस 4-फॉस्फेट का इस्तेमाल करके एंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का इस्तेमाल करके, उनको इस्तेमाल करके सिक्मिक एसिड पाथवे के द्वारा फिनाइल एलानिन बना था। तो हम इस पाथवे को फिनाइल एलानिन से शुरू कर रहे हैं, बिकॉज फिनाइल एलानिन इज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। तो फिनाइल एलानिन जो है पैल एंजाइम की प्रेजेंस में ट्रांस सिनामिक एसिड बनाता है। ये जो ट्रांस सिनामिक एसिड होता है ये सिंपल फिनोलिक्स कंसिडर किया जाता है, और ये बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव भी माना जाता है। फिर ट्रांस सिनामिक एसिड जो है कन्वर्ट किया जाता है पैरा काउमेरिक एसिड में, जो कि अगेन काफी सिंपल फिनोलिक्स है। सिंपल फिनोलिक्स में एग्जाम्पल आ जाता है लिग्निन, ठीक है, ये लिग्निन का प्रिकर्सर बन सकता है, दैट इज पैरा काउमेरिक एसिड। पैरा काउमेरिक एसिड जो है पैरा काउमेरल कोए में कन्वर्ट होता है, पैरा काउमेरल कोए भी लिग्निन का प्रिकर्सर बन सकता है। पैरा काउमेरल कोए जो है मेलोनाइल कोए एंड कैलकॉन सिंथेस एंजाइम्स की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, किसमें? कैलकॉन्स में, ठीक है। अब ये जो कैलकॉन्स बनता है, ये कैलकॉन क्या करता है? इस कैलकॉन का कन्वर्जन होता है फ्लेवोवंस में। फ्लेवोवंस से फ्लेवॉन्स बन सकता है, आइसोफ्लेवॉन्स बन सकता है, या आइसोफ्लेवेनॉइड्स बन सकता है। ये सब एग्जाम्पल है फिनोलिक्स के। फिर फ्लेवोवंस कन्वर्ट हो सकता है डाइहाइड्रोफ्लेवेनॉल्स में, जिससे डाइहाइड्रोफ्लेवेनॉल से हमको फ्लेवेनॉइड नाम का फिनोलिक्स मिल सकता है। फिर ये कन्वर्जन हो जाता है, इसका कन्वर्जन हो सकता है दैट इज एंथोसाइनिन में, जो कि अगेन एक फिनोलिक्स है, या फिर कंडेंस्ड टैनिन में, जो कि अगेन एक फिनोलिक्स है। इतना ही नहीं, ये जो हमने पैरा काउमेराइल कोए देखा था, ये पैरा काउमेराइल कोए एंड इसको ठीक है, ये जो पैरा काउमेराइल कोए हमने देखा था, और इसके अलावा जो पैरा काउमेरिक एसिड था, इन दोनों के द्वारा हमको काउमेरिन्स भी देखने को मिलता है। काउमेरिन्स भी क्या है? काउमेरिन्स आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ फिनोलिक्स। इसके अलावा पैरा काउमेराइक जो एसिड है वो लिग्निन तो बना ही सकता है, लेकिन कैफिक एसिड जैसे मॉलिक्यूल्स भी बना सकता है। ये सभी चीजें जो है यहाँ के जो डिटेल डायग्राम है इसमें मेंशन है, तो टेंशन नहीं लेना है कि हाँ कहाँ से पता चलेगा, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो ये हो गया डिटेल वर्जन ऑफ सिक्मिक एसिड पाथवे, कि किस तरीके से हमको फिनोलिक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसमें लिग्निन, काउमेरिन, इसके अलावा हो गया फ्लेवॉन्स एंड आइसोफ्लेवेनॉइड्स, फ्लेवेनॉइड्स, एंथोसाइनिन, टैनिन्स, फ्लेवॉन्स, ये सब एग्जांपल हैं फिनोलिक्स के। जैसे कि हमको टारपिन में बहुत से एग्जांपल देखने को मिले थे, मोनोटारपिन, ट्राइटारपिन, डाइटारपिन, वैसे ही फिनोलिक्स के ये सारे के सारे एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब फंक्शन को जैसा समझ लेते हैं, थोड़ा सा जनरल बेसिस पे, फिर एक बार स्पेसिफिक बेसिस पे समझ लेंगे। जैसे कि फिनोलिक्स जो है प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दे आर द कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। इसके अलावा ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, रूट एंड सीड डिस्पर्सिंग में मदद कर सकते हैं, एंटी फीडर की तरह काम करते हैं, यानी फिनोलिक्स जिस प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं
प्लांट उनपे फीड करना पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं एंड ये नियर बाई प्लांट के साथ कम्पीट कर सकते हैं बाई द मैकेनिज्म ऑफ एलीलोपैथी। इसमें जो कंपाउंड रिलीज होता है ना वो होता है फिनाइल प्रोपेनॉइड एंड बेंजोइक एसिड। इन दोनों कंपाउंड को देखा गया है कि ये दोनों क्या है, फिनोलिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यही दोनों कंपाउंड एलिलोपैथिक एक्टिविटी रखते हैं, यानी प्लांट जो है एक्चुअल में फिनाइल प्रोपेनॉइड एंड बेंजोइक एसिड को सिक्रीट करता है एज अ एलिलो केमिकल। कंपाउंड सच एज कैफिक एसिड एंड फ्लूरिक एसिड अकर इन द सॉइल इन एप्रिशिएबल अमाउंट एंड हैव बीन शोन इन द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू इनहिबिट द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ मेनी प्लांट्स। इसके अलावा कैफिक एसिड एंड फ्यूगलिक एसिड को भी देखा गया है कि ये सॉइल में प्रेजेंट रह सकते हैं और ये अलग अलग प्लांट के जर्मिनेशन को रोक सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस प्लांट को जो है हर्बीवोर से प्रोटेक्शन मिलता है, पैथोजन अटैक से प्रोटेक्शन मिलता है, पैथोजन को रिपेल किया जा सकता है, हर्बीवोर को रिपेल किया जा सकता है और साथ ही साथ हर्बीवोर पे अटैक करने वाले नेचुरल प्रेडेटर को अट्रैक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फिनोलिक्स। काउमेरिंस और इसके डेरिवेटिव जो हैं ये एंटी कोगुलेंट्स की तरह काम करते हैं। काउमेरिन भी एक टाइप का फिनोलिक्स हो जाता है, लिगनिन भी एक फिनोलिक्स है जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स के अंदर। तो ये कुछ इन जनरल हमारे पास फंक्शन हो गए फिनोलिक्स के। अब इनको भी हम क्या कर सकते हैं, इनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से कुछ मेजर क्लासेस में। मेजर क्लासेस में डिवाइड करने से क्या होगा, आप नाम वाइज जो है इनके फंक्शंस देख सकते हैं। जैसे कि काउमेरिन एक वन ऑफ द क्लासेस होता है फिनोलिक्स का, ये सारे एग्जांपल हैं। काउमेरिन जो है ये क्या करते हैं, ये स्कोपोलिटिन होते हैं। इट इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड काउमेरिन्स, सबसे ज्यादा वाइडली स्प्रेड जो काउमेरिन्स पाए जाते हैं वो होते हैं स्कोपोलिटिन। ये जो है सीड के कोट में प्रेजेंट होते हैं और सीड को जर्मिनेट होने से बचाते हैं। इसके अलावा डाउ कॉमेरोल भी देखा जाता है जो कि एंटी कोगुलेंट की तरह काम करता है। एफ्लाटॉक्सिन B1 जो कि माइकोटॉक्सिन एंड कार्सिनोजेनिक होता है जो कि सिंथेसाइज किया जाता है फंजाई के द्वारा, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है काउमेरिन्स का। इनका एक्चुअल में केमिकल डिफेंस की तरह ये काम करते हैं अगेंस्ट द प्रीडेटर प्लांट में। लिगनिन्स की बात कर लेते हैं, लिगनिन क्या होता है, ये हाईली ब्रांच पॉलीमर है ऑफ 3 सिंपल फिनोलिक्स एल्कोहल जो कि होता है कॉनिफाइड काउमेराइल एंड सिनापाइल एल्कोहल जिसको कि हम मोनोलिग्नॉन्स कहते हैं। ये भी सिंथेसाइज किया जाता है फिनाइल एलानिन से विया दी सिनामिक एसिड डेरिवेटिव और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में और मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। लिगनिन को देखा गया है कि ये प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड कंडक्टिंग टिश्यू को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज मेनली इन ट्रैकेट्स एंड वेसल एलिमेंट ऑफ ज़ाइलम। ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट को, प्लांट को प्रोटेक्शन देता है एज वेल एज जिस भी प्लांट में लिगनिन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है वो प्लांट एनिमल के लिए इनडाइजेस्टिबल हो जाते हैं। इस तरीके से ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही तरीके से रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है फ्लेवेनॉइड्स का। फिनोलिक्स में ये सबसे बड़ी क्लास होती है फ्लेवेनॉइड्स की। इस फ्लेवेनॉइड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है एंथोसायनिन में, फ्लेवॉन्स में, फ्लेवेनॉल्स में एंड आइसोफ्लेवेनॉइड्स में, जिसमें फ्लेवॉन्स एंड फ्लेवेनॉल जो है ये अट्रैक्टेंट की तरह काम करता है, जैसे पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना, सीड दैट इज सीड डिस्पर्सर्स को अट्रैक्ट करना, इन सबको अट्रैक्ट करने में मदद करता है। एंथोसायनिन क्या करता है, एंथोसायनिन जो है फ्रूट एंड फ्लावर में कलर देने में मदद करता है। जैसे प्लांट में पिंक कलर देख, फ्लावर में पिंक कलर आप देख पाते हैं, रेड कलर देख पाते हैं, ये सब जो कलर होता है वो एंथोसायनिन के प्रेजेंस की वजह से देखा जाता है। इसके अलावा जो आइसोफ्लेवेनॉइड्स होते हैं इनका एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है। तो इस तरीके से ये जो फ्लेवेनॉइड्स क्लास ऑफ फिनोलिक्स हैं वो वैरायटी ऑफ फंक्शन सर्व करते हैं और फ्लेवेनॉइड्स भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं एंथोसायनिन में, फ्लेवॉन्स में, फ्लेवेनॉल्स में एंड आइसोफ्लेवेनॉइड्स। लास्ट हमारे पास क्लास आती है टैनिन्स की। टैनिन क्या है, टैनिन भी जो है वाटर सॉल्युबल प्लांट पॉलीफिनॉल्स होते हैं। टैनिन जो है एक तरीके से टॉक्सिन की तरह काम करता है और जो हर्बीवोर ऐसे प्लांट को खाते हैं जो टैनिन रिच होता है तो मतलब हर्बीवोर जो है उसको आप कह सकते हो कि इजीली जो है फीड नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये टॉक्सिन की तरह काम करता है और ये रिपेलेंट की तरह भी काम करता है। मतलब जिस प्लांट में टैनिन का अमाउंट ज्यादा होगा हर्बीवोर उसको रिपेल करेगा, उसको खाना नहीं चाहेगा।
मैमल सच एज कैटल डियर एप्स अवॉइड द प्लांट और पार्ट ऑफ द प्लांट विथ हाई टैनिन कंटेंट. आपने देखा होगा अक्सर जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं जो अपने अभी टाइम पे पके नहीं हो उनको आप तोड़ के खाइए, वो बहुत कड़वे लगते हैं. जैसे कि गुआवा देख लीजिए, गुआवा जब कच्चा होता है, एकदम कच्चा रॉ होता है, उस टाइम पे आप उसको तोड़ के खाएंगे वो आपको कड़वा लगेगा. वो जो कड़वाहट होती है ना वो टैनिन की वजह से आती है जो अनराइपन फ्रूट में आपको देखने को मिलती है. और ये टैनिन का हाई लेवल अगर होता है तो जो हर्बीवोर होते हैं वो उस टाइप के प्लांट को अवॉइड करते हैं, उस या फिर उस टाइप के प्लांट में जो पार्ट होते हैं जैसे कि लीव्स हो गया, रूट हो गया, प्लांट के जिस भी पार्ट में टैनिन का कंटेंट हाई होगा प्लांट जो हर्बीवोर हैं वो उसको खाना अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए जो है सूटेबल नहीं होगा. और क्योंकि वो एक तरीके से फीडिंग रिपेलेंट की तरह भी काम करता है, तो प्लांट में जो भी पार्ट में ये प्रेजेंट होगा हर्बीवोर उस पर फीड करना नहीं चाहेंगे. ठीक है. आंचल जी कह रही है मैम शुरू कीजिए. अच्छा, मतलब अभी तक हम बैठे हुए थे, अभी शुरू कर लेंगे. चलो ओके. इसके अलावा जैसे कि हमने कहा यूवी से भी प्रोटेक्शन मिलता है फिनोलिक्स के द्वारा. कैसे मिलता है? इन एडिशन टू द विजिबल लाइट फ्रॉम द सन, इट ऑल्सो कंटेन अ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन विच कैन डैमेज मेम्ब्रेन डीएनए एंड प्रोटीन. तो आपको पता है यूवी रेडिएशन अगर ज्यादा मिलती है तो उसकी वजह से डीएनए प्रोटीन में डैमेजेस चले आते हैं. बहुत से प्लांट क्या करते हैं, दे कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन और वो अपने आप को बचाने के लिए इस सेलुलर डैमेज से वो सिंथेसाइज करते हैं फिनोलिक्स को एंड फ्लेवोनॉइड्स को, जो कि एक्चुअल में प्लांट के लिए जो है सनस्क्रीन की तरह काम करता है. एंड हेंस वो हेल्प करता है ऑक्सीडेंट को, मतलब रिमूव द डैमेजिंग ऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेंट डैमेज हो गए उनको रिमूव करने में एंड फ्री रेडिकल को रिमूव करने में. और इस तरीके से प्लांट को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम हाई यूवी रेडिएशन. तो ये जो है आपके फिनोलिक्स का पोर्शन है कि फिनोलिक्स किस तरीके से मदद करते हैं. 10 मिनट पहले का मैसेज था तो वो अभी क्यों आ रहा है? चलो तो ये हो गए आपके फिनोलिक्स. ठीक है, अब बात करते हैं एल्कलॉइड्स के बारे में. एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? एल्कलॉइड हमारे अगले क्लास ऑफ लाइक नाइट्रोजन कंटेनिंग प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है. एल्कलॉइड जो है ये भी एक नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, प्लांट में प्रीडोमिनेंट तरीके से पाए जाते हैं और इनके पास एटलीस्ट एक नाइट्रोजन एटम तो होता ही है और इनका नेचर होता है बेसिक यानी एल्कलाइन नेचर होता है. इसी की वजह से हमने इसको नाम दे दिया है एल्कलॉइड. तो ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं. नेचर में इनका एंटी हर्बीवोरी डिफेंस में इसका रोल देखा गया है, एंटी माइक्रोबियल रोल देखा गया है और ये फीडर को रिपेल भी करते हैं. इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव सब्सटेंस अगेंस्ट द एनिमल एंड इंसेक्ट अटैक. जिस प्लांट में एल्कलॉइड ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है उस प्लांट में जो है मतलब उस प्लांट को एनिमल एंड इंसेक्ट से प्रोटेक्शन मिल सकता है, उसके अटैक से प्रोटेक्शन मिल सकता है. नेक्स्ट, इट इज टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बट ऑल्सो हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी. ये ह्यूमन के लिए भी टॉक्सिक है. कैसे है? क्योंकि इसमें बहुत से ड्रग चले आते हैं जैसे कि हो गया निकोटिन, ठीक है, इसके अलावा जो है मॉर्फिन, ये सब ड्रग्स हैं. तो अगर ह्यूमन इसका अमाउंट ज्यादा ले तो ऑब्वियसली ये ह्यूमन के लिए टॉक्सिक हो सकता है. लेकिन अगर इन्हीं चीजों को आपको पता है अमाउंट अगर एकदम ठीक ठाक कंसंट्रेशन में लिया जाए तो उस केस में क्या हो सकता है, ये मेडिसिन की तरह काम कर सकते हैं. इनको भी देखा गया है कि ये भी सिकमिक एसिड से ही सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन क्योंकि इनका प्रिकर्सर बहुत सारे होते हैं, क्योंकि अलग अलग एल्कलॉइड अलग अलग प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से बनते हैं. जैसे कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हो सकते हैं इनके ऑर्निथिन, आर्जिनिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन. तो जो कॉमन सिंथेसाइजिंग पाथवे है वो होता है इनका सिकमिक एसिड पाथवे. अगर कुछ आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो इनका एग्जाम्पल हो गया निकोटिन.
जो कि एक तरीके से फियर टेंशन एंजाइटी को ट्रीट करने में मदद करता है, हेंस इसको हम स्टिमुलेंट डिप्रेसेंट एंड ट्रांसफिलाइजर कहते हैं, मतलब उसकी तरह इस्तेमाल करते हैं। एट्रोपिन यह करता है, ये प्रिवेंट करता है इंटेस्टाइनल स्पैसम को, एंटीडोट टू द अदर पॉइजन, डायलेशन ऑफ प्यूपिल फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, इन सब में इसका रोल होता है। कोकेन अगेन ये क्या करता है, ये लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करता है, एंड एक तरीके से मान लीजिए कि इन केस अगर इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल, जैसे कोकेन वगैरह का इस्तेमाल जब बहुत लो अमाउंट में हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी रख रहा है, जैसे कि इट इज एक्टिंग लाइक अ स्टिमुलेंट ऑफ द नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन इन्हीं का अमाउंट अगर ज्यादा बेसिस पे लिया जाता है तो ये ह्यूमन के लिए क्या हो सकता है, एक ड्रग की लत पकड़ा सकता है और साथ ही साथ टॉक्सिन की तरह काम कर सकता है हाईएस्ट अमाउंट में। इसके अलावा हो गया कॉनिन, जो कि एक पॉइजन की तरह काम करता है। रेट्रोसिन का अभी तक रोल देखा नहीं गया है। ल्यूपाइन का देखा गया कि ये हार्ट रिदम को रिस्टोर कर सकता है। कोडीन का रोल होता है एनाल्जेसिक की तरह, यानी कि पेन रिलीफर की तरह, और साथ ही साथ ये कफ को ट्रीट करने में मदद करता है। मॉर्फिन भी पेन रिलीफ में मदद करता है। साइलोसबिन जो है ये हेलुसिनोजन है, यानी कि एक तरीके से इसका आप अमाउंट अगर ज्यादा ले लोगे तो हेलुसिनेट करने लगोगे, ठीक है, जो चीज है नहीं वो भी आपको दिखना शुरू हो जाएगी। रेस्पायरिन जो है ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में मदद करता है एंड साइकोसिस को ट्रीट करने में मदद करता है। स्टाइसिन जो है ये रैट पॉइजन है और ये आई डिसऑर्डर, रैट पॉइजन की तरह काम कर सकता है, और लो अमाउंट में जो है इसका ट्रीटमेंट आई डिसऑर्डर के लिए भी देखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए इसके एल्कलॉइड्स के, जिनमें से कॉमन कॉमन आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो नाम सुनने में आ रहा है सुने आपने, वो कॉमन एग्जाम्पल है, तो उन सबको दिमाग में रखिएगा। इतना ही नहीं, एल्कलॉइड जो है वो एलिलोपैथिक कंपाउंड में भी मदद करते हैं, यानी जो एलिलिक एलिलोपैथी केमिकल जो रिलीज हो रहे हैं उसमें कुछ कुछ एल्कलॉइड्स का भी रोल देखा गया है। एल्कलॉइड जो है नेचर में टॉक्सिक होता है, जो प्लांट को मदद करता है हर्बीवोर और इंसेक्ट को रिपल करने में और प्लांट को सर्वाइवल देने में। एल्कलॉइड गैदर फ्रॉम द प्लांट यूज बाई अदर इंसेक्ट फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर। इतना ही नहीं, जब प्लांट को कोई इंसेक्ट आके हार्म करता है ना, तो प्लांट एल्कलॉइड रिलीज करता है। उस एल्कलॉइड को कौन सेंस कर लेता है, उस एल्कलॉइड को सेंस कर लेते हैं कुछ और दुश्मन जो प्लांट के ही होते हैं। लेकिन कहानी क्या चलती है, देखिए ये जो लाइन है ना, मैं इसको समझा रही, ऑल्दो ये बायोटिक स्ट्रेस का पार्ट है, बायोटिक स्ट्रेस में आपको मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी, यहाँ पे मैं छोटू सा करके समझा देती हूँ। मान लीजिए ये प्लांट है और ये देख सकते हैं आप, ये हर्बीवोरस इंसेक्ट यहाँ पे आ गया है और इसको और प्लांट को खाने लगा है। इस प्लांट ने क्या किया है बदले में, ये प्लांट रिलीज कर रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, जो कि वॉलेटाइल होते हैं नेचर में। इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में टारपीन हो सकते हैं, एल्कलॉइड हो सकते हैं, ठीक है, फिनाइल प्रोपेन हो सकता है। ये सब चीजें क्या करती हैं, हवा में मिक्स हो जाती हैं। ये कब रिलीज हो रहा है, जब कोई इंसेक्ट प्लांट को आके खाने लग रहा है, यानी प्लांट डैमेज हो रहा है, और प्लांट जानबूझ के ये सब चीजों को रिलीज कर देता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को रिलीज कर देता है। इससे क्या होता है, इससे दो काम, इससे वैसे तो प्लांट मल्टीपल काम के लिए इसका इस्तेमाल करता है। कैसे, ये एक ऐसे नेचुरल एनिमी को इनवाइट कर देता है, जो नेचुरल एनिमी इस कैटरपिलर को या इस इंसेक्ट को खा जाएगा, यानी कि इस हर्बीवोर के दुश्मन को इनवाइट कर देता है प्लांट बाय सिक्रीटिंग दिस काइंड ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसमें एल्कलॉइड भी एक होता है। वो जब एनिमी आता है तो वो इस इंसेक्ट को खा जाएगा या अटैक कर देगा, और प्लांट क्या होगा, प्लांट बच जाएगा। लेकिन जो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिलीज कर रहा है ना, तो इसको अदर हर्बीवोर भी सेंस कर रहे हैं और वो समझ जा रहे हैं कि यानी किसी ने प्लांट पे अटैक किया है, प्लांट अपने बचाव में इसको प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके बचाव में नेचुरल एनिमी आएंगे और उस हर्बीवोर को खा जाएंगे, यानी अगर मैं गया तो मेरे को भी खा जाएंगे, तो एक काम करता हूं मैं अभी नहीं जा सकता, क्योंकि प्लांट अपने सारे दोस्तों को बुला रहा है जो उस हर्बीवोर को वहां से हटाएगा। इसीलिए जो बाकी अदर हर्बीवोर होते हैं, देखिए ये फिर अटैक करना अवॉइड करते हैं। इतने ही नहीं, उन सारे कंपाउंड से प्लांट जो है
अपने अगल बगल के प्लांट्स को भी क्या करता है, अलार्म दे देता है, अलर्ट कर देता है। प्लांट उसको सेंस करते हैं और वो समझ जाते हैं कि यस हमारा पड़ोसी के ऊपर अटैक हो गया है तो हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो हम पहले से ही अपने अंदर डिफेंस के जितने भी सिग्नलिंग पाथवे उसको हम थोड़ा सा एक्टिवेट करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारा काम करने में जो चीज हवा में रिलीज हो रही है वॉलेटाइल फॉर्म में वो क्या है, वो है टारपीन्स एज वेल एज एल्कलॉइड्स। तो इस तरीके से जो एल्कलॉइड गैदर किया जाएगा प्लांट के द्वारा वो इंसेक्ट को, इंसेक्ट तो यूज करेगा ही साथ ही साथ अदर प्रेडेटर भी यूज करेंगे ताकि वो अपना प्रोटेक्शन कर सके, और उस हर्बीवोर के जो एनिमी होंगे वो भी यूज करेंगे ताकि उस हर्बीवोर पे अटैक कर सके। ठीक है, क्लियर। आधे बच्चों को तो इस बात में इंटरेस्ट ही नहीं है कि क्लास चल रही है, आधे बच्चे इस बात में बिजी हैं कि क्लास कब तक चलेगी, क्या कुछ नया हो रहा है। मैं रोज 3 घंटे की क्लास लेती हूँ, आज भी ले लूं तो कौन सा क्या पहाड़ टूट जाएगा। दिक्कत यही है कि बच्चों को कभी भी इस बात में इंटरेस्ट नहीं होता कि अभी आज इस वक्त पे क्या हो रहा है। उनको इंटरेस्ट होता है कि अभी आधे घंटे बाद क्या होगा, या कल आधे घंटे पहले क्या हुआ था, या परसों क्या हुआ था। आज में अभी में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड दैट इज द बिगेस्ट इश्यू आप लोग के साथ, जिसकी वजह से मैक्सिमम चीजें आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप आज और अभी में रहना ही नहीं चाहते हैं। आप या तो फ्यूचर को सोच के परेशान होंगे, या जो कल बीत गया है उसको सोच के परेशान होंगे, या उसको लेके परेशान होंगे, लेकिन अभी में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता। तो आपका एटीट्यूड ही बहुत कुछ बताता है किस टाइप से आप डील करते हैं अपनी तैयारी को। जो बच्चा सिंसियर होकर पढ़ रहा है उसको क्या मतलब है कि कितनी देर क्लास चलेगी, उसको मतलब है कि ये टॉपिक कवर होगा या नहीं होगा, और इस टॉपिक में क्या है। इसलिए मैं कहती हूँ 50% बच्चे क्लास में सीखने आते हैं, बट बाकी 50% सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने आते हैं। और जो सीखने आता है ना बच्चा, उसी का ही कुछ होगा, बाकी जो सिलेबस कंप्लीट करने आ रहा है उसका क्या ही होगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि सीखेंगे तभी कुछ एग्जाम में कर पाएंगे। फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे कि नहीं सिलेबस है इसीलिए कंप्लीट करना है चलो, तो ऐसे ही आपका 50% इंटरेस्ट लूज रहता है, क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको नॉलेज गेन करने के पर्पज से आप नहीं आ रहे हो। उसमें आधा चीजें तो ऐसे ही लूज हो जाती, आधा इंटरेस्ट आपका ऐसे ही लूज हो जाता। चलो नेक्स्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग जो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो है ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स के बारे में समझते हैं, ये हमारा लास्ट पोर्शन है, 5 स्लाइड है, देन वी विल बी डन। और प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट से बहुत सारे सवाल आए हैं, आई थिंक मोर देन 20 to 25 क्वेश्चंस हैं। ओके, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है ग्लाइकोसाइड जिसमें कि शुगर जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉइटी से जुड़ा रहता है, जिसके पास ऑलरेडी एक OH ग्रुप है। तो क्योंकि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से शुगर जुड़े रहते हैं, हाँ, इसलिए हम इसको ग्लाइकोसाइड्स कह देते हैं। यानी एक तरीके से नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट जो है वो शुगर से जुड़ा रहता है बाई द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि नॉन शुगर पार्ट इज कंबाइंड विथ शुगर पार्ट,
और ये जो बॉन्ड बना है वो ग्रुप बॉन्ड होता है, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो नॉन शुगर पार्ट होता है ना, हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, ए ग्लाइकॉन, क्योंकि ये शुगर नहीं है, ग्लाइकॉन नहीं है, इसलिए ए ग्लाइकॉन यूज करते हैं। अब आप सोचोगे कि ये ए ग्लाइकॉन क्या हो सकता है, ये ए ग्लाइकॉन्स टारपिनोइड हो सकते हैं, स्टीरॉइड हो सकते हैं, फ्लेवोनॉइड हो सकते हैं, फिनोलिक्स हो सकते हैं। इसीलिए आपने बहुत से एग्जाम्पल ऐसे भी देख लिए ऑलरेडी जो कि ग्लाइकोसिडिक का ग्लाइकोसाइड्स का एग्जाम्पल था, लेकिन उसे आपने टारपिन में पढ़ लिया, उसे आपने फिनोलिक्स में पढ़ लिया। क्यों पढ़ लिया? क्योंकि जब फिनोलिक्स एंड ग्लाइकोसाइड्स दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं तो आप उनको दोनों कैटेगरी में रख सकते हो। एक बार फिनोलिक्स पे फोकस करके फिनोलिक्स में रख सकते हो, एक बार ग्लाइकोसिडिक पे फोकस करके ग्लाइकोसिडिक में रख सकते हो। ठीक है, तो नॉन शुगर पार्ट जो होता है वो टारपीन्स हो सकते हैं, स्टीरॉइड हो सकते हैं, फ्लेवोनॉइड्स हो सकते हैं, फिनोलिक्स हो सकते हैं। इसीलिए कभी कभी ग्लाइकोसाइड्स को एक अलग क्लास कंसिडर ही नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बाकी सबके साथ मिक्स होके पाया जाता है, लेकिन हम इसको एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एक अलग क्लास लेके चल रहे हैं ताकि हम इसको अलग से डील कर सकें। ठीक है, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट जो है ये टारपिनोइड हो सकते हैं, फिनोलिक्स हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे। और ये क्या करते हैं, ये शुगर से कनेक्टेड रहते हैं। इसी में एक एग्जाम्पल आता है, ग्लाइकोसाइड्स में ही एक एग्जाम्पल आता है, सिनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स या साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, जो भी आप कहना चाहें। इनको नाम ऐसा क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से जो है साइनाइड का फॉर्मेशन होता है एज अ बाई प्रोडक्ट, इसीलिए साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेगा। जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं एज वेल एज जो ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं, ग्लूकोसिनोलेट्स आर ऑल्सो वन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आर दे आर ऑल्सो वन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, राइट? आपको याद होगा मैंने अभी डिस्टिंग्विश किया था, पहले ही स्लाइड में किया था, आई थिंक, लेट मी शो यू। यस, ये देखिए, हमने कहा था ग्लाइकोसाइड में जो है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हैं एंड ग्लूकोसिनोलेट्स हैं, राइट? इन्हीं दोनों का हमने वहां नाम यूज किया है। ये कैसे काम करते हैं, इसी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो देखिए, जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हैं या फिर ग्लूकोसिनोलेट्स हैं, ये अपने आप में कभी टॉक्सिक नहीं होते हैं। प्लांट में जब ग्लाइकोसाइड्स, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स या ग्लूकोसिनोलेट्स प्रेजेंट हैं, तो ये अपने आप में अकेले टॉक्सिक नहीं है। कब टॉक्सिक होंगे ये, या कब टॉक्सिन की तरह काम करेंगे, जब इनको कोई तोड़ेगा। और तोड़ेगा कैसे, मान लीजिए ये प्लांट है और ये प्लांट का लीफ है, ठीक है, इस लीफ में जो है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स भी हैं एंड ग्लूकोसिनोलेट भी है। तो इस लीफ में जब ये है तो ये अभी तक टॉक्सिक नहीं काम, टॉक्सिक नेचर शो नहीं करेगा। कब शो करेगा, जब आप इस लीफ को क्रश करोगे, या फिर आप इसको च्यू करोगे, या आप इसको डैमेज करोगे, तब जाकर ये जो कंपाउंड है वो टॉक्सिन की तरह काम करेंगे। बिना डैमेज हुए, बिना क्रश किए ये कंपाउंड रिलीज ही नहीं होता है। तो इसीलिए जब इनका ब्रेकडाउन हो जाएगा तब जाके ये वॉलेटाइल पॉइजन रिलीज करेंगे। इसलिए जब हर्बीवोर आता है, हर्बीवोर यानी कोई भी प्लांट को फीड करने वाला ऑर्गेनिज्म, तो हर्बीवोर जब आता है, चाहे वो बड़ा एनिमल हो या फिर इंसेक्ट हो, वो क्या करता है, वो प्लांट के उस पार्ट को खाना शुरू कर देता है, यानी च्यू करने लगता है, चबाने लगता है, हेंस प्लांट डैमेज हो जाता है। डैमेज पार्ट से ये जो कंपाउंड है लाइक साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स एंड ग्लूकोसिनोलेट्स, ये रिलीज हो जाते हैं, और जब ये वॉलेटाइल फॉर्म में रिलीज होते हैं तो ये पॉइजन की तरह काम करते हैं। इसीलिए उसके बाद जो है ये अपने एनिमी पे हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आर रिलीज द वेल नोन पॉइजन गैस नोन एज द हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड एक्चुअल में रिलीज किया जाता है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स से, एंड दैट इज वाई ये हार्मफुल हो जाते हैं अपने एनिमी के लिए।
द ब्रेकडाउन ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स इन प्लांट इज अ एंजाइमेटिक प्रोसेस. ये जो प्रोसेस है ना ब्रेकडाउन का, यानी साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड से हाइड्रोजन साइनाइड बनना, ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है. स्पीसीज दैट मेक द साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स ऑल्सो मेक द एंजाइम नेसेसरी टू हाइड्रोलाइज द शुगर एंड लिबरेट द एसिड. तो जिस प्लांट में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स पाया जाएगा उस प्लांट में वो एंजाइम भी पाया जाएगा जो इस हाइड्रोजन साइनाइड को बना सकता है फ्रॉम साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स. तो आप देख सकते हैं ये रहा साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड पिक्चर, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग है, एन है यहाँ पे, और यहाँ पे शुगर मॉइटी है, और यहाँ पे नॉन शुगर मॉइटी है. तो ये क्या करता है, ये बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो है शुगर को रिमूव करके ये चेंज करता है इसे साइनोहाइड्रिन में. साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट होने के बाद हाइड्रोक्सी नाइट्राइल लाइज एंजाइम की प्रेजेंस में, या फिर ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है इस प्रेजेंस में जो है, ये क्या होता है, ये साइनोहाइड्रिन जो है हाइड्रोजन साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है. ये जो हाइड्रोजन साइनाइड होता है ये एक्चुअल में पॉइजन की तरह काम करता है और एनिमी को अपने हार्म करता है. ठीक है, एक फंगस का केस स्टडी देखा गया, एक फंगस पैथोजन है जिसके पास फॉर्मामाइड हाइड्रोलेज एक्टिविटी है, मतलब कि उसके पास एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास फॉर्मामाइड हाइड्रोलेज एक्टिविटी है. उससे क्या करता है वो, उससे ये जो हाइड्रोजन साइनाइड बन रहा है ना उसे वो फॉर्मामाइड में चेंज कर देता है. यानी जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड बनेगा या साइनाइड बनेगा वो तुरंत उसको फॉर्मामाइड में चेंज कर देगा, और इस तरीके से वो फंगल पैथोजन खुद को साइनाइड रेजिस्टेंस बना चुका है, और वो फिर उस प्लांट को भी अटैक कर सकता है जिस प्लांट में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जैसे ही वहां से साइनाइड रिलीज होगा वो अपने एंजाइम फॉर्मामाइड हाइड्रोलेज की एक्टिविटी के द्वारा जो है उस साइनाइड को वो फॉर्मामाइड में चेंज कर देगा और टॉक्सिसिटी का लेवल रिड्यूस हो जाएगा. तो ये कुछ केसेस हैं आपके साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स. ओके, इसके अलावा कुछ और भी हम एंजाइम्स एज वेल एज फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं. तो जैसे कि हमने कहा कि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड भी एक टॉक्सिक क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो कि जिसके पास नाइट्रोजन है ऑलरेडी. ठीक है, जैसे ही टिश्यू डैमेज होता है हाइड्रोजन साइनाइड रिलीज हो जाता है. इतना ही नहीं, साइनाइड जो है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर सकता है इन माइटोकॉन्ड्रिया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रोक सकता है. और आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुका तो ऑब्वियसली कोई भी सेल अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा. क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ तो एटीपी सिंथेसिस रुक जाएगा, एटीपी सिंथेसिस रुक जाएगा तो भाई वो एक नेसेसिटी है लिविंग सेल की, तो लिविंग सेल क्या करेगा, उसकी डेथ होने लगेगी. ठीक है, इसके अलावा सेवरल प्लांट ऑफ इकोनॉमिक एंड न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल के लिए हो गया सोरघम एंड कसावा प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स. तो सोरघम प्लांट एंड कसावा प्लांट जो है ये डिफरेंट टाइप के साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि सोरघम प्रोड्यूस करता है ड्यूरिन को जो कि एक साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स है और जो कि टायरोसिन से डिराइव किया जाता है. ड्यूरिन जो है स्टोर किया जाता है एज अ ग्लाइकोसाइड, बट जब प्लांट जो है हर्बीवोर्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है ये ग्लाइकोसाइड जो है तुरंत हाइड्रोलाइज होके शुगर एंड ए ग्लाइकोन ग्रुप में चेंज हो जाता है और उसके बाद ये बना देता है HCN, यानी ये वाला HCN जो कि उसके एनिमी के लिए हार्मफुल होता है. इतना ही नहीं, कंपाउंड दैट रिलीज टॉक्सिक साइनाइड आर ड्यूरिन फ्रॉम द सोरगम, जो इसका भी हमने केस देखा. इसके अलावा लिनामेरिन एंड लोटेस्टलिन फ्रॉम कसावा. तो कसावा से जो है ये दोनों जो है हमको साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स देखने को मिलते हैं.
जो कि साइनाइड को रिलीज कर सकते हैं जब उनपे उनका एनिमी अटैक करेगा। ओके, इसके अलावा ग्लाइकोसाइड्स के और भी एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे कि सैपोनिन, सैपोनिन जो है ये जब फंगस अटैक होता है तो उसके खिलाफ प्लांट में प्रोड्यूस होता है और काम करता है। इसके अलावा इसका एंटी हर्बीवोरी मैकेनिज्म है, एंटी इंफ्लेमेशन मैकेनिज्म है, ठीक है। और ये टारपिन, ये इसका जो ए ग्लाइकॉन पार्ट होता है ना वो टारपिन होता है, इसीलिए ये टारपिन में भी एक एग्जाम्पल था। आई थिंक मैंने आपको शो नहीं किया उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे सैपोनिन हमने पढ़ा नहीं था, बट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। सैपोनिन जो है दे आर द स्टेरॉइड एंड ट्राइटारपिन ग्लाइकोसाइड। ट्राइटारपिन ग्लाइकोसाइड क्यों? क्योंकि इसमें जो है ए ग्लाइकॉन के तौर पर टारपिन प्रेजेंट है, इसीलिए, ठीक है। और सैपोनिन के नाम से पता चल रहा है इसका सूप लाइक प्रॉपर्टी होता है, और ये लिपिड सॉल्युबल भी हो, इसके पास जो है लिपिड सॉल्युबल पार्ट भी होता है एंड वाटर सॉल्युबल भी होता है। ओके, ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स भी होते हैं। ये भी जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो ट्राइटारपिन के साथ ही जुड़े रहते हैं, यानी इनका जो ए ग्लाइकॉन ग्रुप है वो ट्राइटारपिन होता है। एग्जाम्पल हो गया इसका डिगोजिन एंड डिजिटॉक्सिन, ये एग्जाम्पल भी आपने टारपिन में देखा था, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये सोडियम पोटेशियम पंप को जो है इनहिबिट कर सकता है और सोडियम का इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन को बढ़ा सकता है। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स का हमने अभी अभी एग्जाम्पल देखा कि ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन साइनाइड को बना के तब जाके प्लांट पे अटैक करता है। कार्डिनोलिट्स भी हैं जो कि एक टाइप के ग्लाइकोसाइड्स ही हैं, ठीक है, और जहां पे ये प्रेजेंट रहते हैं उन प्लांट्स में इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बिटर रहता है और ये टॉक्सिक होता है हायर एनिमल्स के लिए। ओके, इसके अलावा और भी टाइप ऑफ हम मैंने ग्लाइकोसाइड्स यहाँ पे दे के रखा है, आप लोग आप जो है इसको एक बार ग्रो थ्रू कर लीजिएगा, ऑल दो दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट, बट मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन एक बार इसको पढ़ के जरूर देखिएगा, दैट इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। ओके, टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स में हमारे पास अगला एग्जांपल आता है ग्लूकोसिनोलेट्स। ग्लूकोसिनोलेट्स क्या है, ये भी ग्लाइकोसाइड्स है लेकिन इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी है। क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है, देखिए आप इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। इसके स्ट्रक्चर में जो है ऑब्वियसली सल्फर भी प्रेजेंट है, देख रहे हैं आप, ठीक है, ऐसा सल्फर जो कि ग्लूकोज से अटैच है। तो देखिए अब इसके पास सल्फर है तो सीधी सी बात है कोई तो ऐसा अमाइनो एसिड होगा जो कि इसको सल्फर कंट्रीब्यूट करेगा जब ये बना होगा। तो होता क्या है यहाँ पे, अरबिडोप्सिस थालियाना में देखा गया है कि जो मिथियोनिन होता है वो एक्चुअल में ग्लाइकोसाइड्स के मतलब की फॉर्मेशन में मदद करता है, और ये जो सल्फर है उसको जो है हम उस अमाइनो एसिड से एज अ सोर्स मान सकते हैं। तो ये एक सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि डिराइव किया जाता है ग्लूकोज से एंड एन अमाइनो एसिड एज देयर मेजर डिफेंसिव सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द इलोंगेशन इन द चेन ऑफ इन द लेंथ ऑफ द साइड चेन ऑफ देयर प्रिकर्सर अमाइनो एसिड। प्रिकर्सर अमाइनो एसिड में जो है एक तरीके से चेन इलोंगेशन चलता है और उसके बाद जो है दैट इज ग्लूकोसिनोलेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो इसके स्ट्रक्चर में जो है हमको अलग अलग फॉर्म देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें जो है हमको मतलब कि शुगर मॉइटी तो मिली गया, मतलब शुगर वाला पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, और अगर आगे चल के जब ये ब्रेक होता है तो इसका जो नॉन शुगर पार्ट होता है वो भी हटा दिया जा सकता है, वो भी रिमूव हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ग्लूकोसिनोलेट बीटा थायो ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब ब्रेक हो रहा है तो इसका शुगर मॉइटी अलग हो गया और इसका ए ग्लाइकॉन ग्रुप यानी जो कि नॉन शुगर मॉइटी होता है, क्योंकि ये मत भूलिए कि ये भी ग्लाइकोसाइड ही है। इसके पास शुगर मॉइटी एंड नॉन शुगर मॉइटी दोनों है, तो जो नॉन शुगर मॉइटी है वो रिलीज हो जाता है। उसके बाद इसका कन्वर्जन जो है दैट इज आइसोथायोसाइनेट में हो जाता है जो कि पॉइजनस काम करता है एंड नाइट्राइल में हो जाता है। ग्लूकोसिनोलेट्स की अगर हम बात करें तो ये नेचुरल कंपोनेंट होता है जो बहुत ही प्लांट में पंजेंट स्मेल देता है, मतलब बहुत ही हार्ड वाली स्मेल देता है, जैसे कि हो गया मस्टर्ड, कैबेज, हॉर्स रेडिश। आप जो है रेडिश की बात कर लीजिए, मस्टर्ड या कैबेज की बात कर लीजिए, आपने अक्सर जब आप इनको काटोगे
या तोड़ोगे प्लांट से तो इनमें बहुत ही स्ट्रांग वाली एक स्मेल आती है। वो जो स्ट्रांग स्मेल आती है वो ग्लूकोसिनोलेट्स की वजह से ही होती है। द पंजेंसी ऑफ दोज प्लांट इज ड्यू टू द मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ग्लूकोसिनोलेट्स व्हेन द प्लांट मटेरियल इज च्यूड कट और अदरवाइज डैमेज। तो वो जो एक बहुत ही हार्ड जैसा कुछ स्मेल आता है, बहुत ही स्ट्रांग स्मेल आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि उसमें ग्लूकोसिनोलेट प्रोड्यूस हो रहा होता है। जब आप उस प्लांट को काटते हो तभी वो रिलीज होता है, काटते हो या फिर हर्बीवोर के द्वारा च्यू किया जाता है या डैमेज किया जाता है। लगभग 80% ऑफ ग्लूकोसिनोलेट जो अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं वो ब्रासिकेसी फैमिली से हैं। ब्रासिकेसी फैमिली यानी मस्टर्ड फैमिली से है, ठीक है। द स्मेल टेस्ट ऑफ अ प्लांट इन ब्रास, इसको हम ब्रासिकेल्स भी कहते हैं। द स्मेल टेस्ट ऑफ द प्लांट इन ब्रासिकेल्स रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोसिनोलेट्स जो कि एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और इसे हम मस्टर्ड ऑयल भी कह सकते हैं। द कॉमन ग्लूकोसिनोलेट बायोसिंथेसिस पाथवे इन्वॉल्व ए ग्लाइकॉन सिंथेसिस विया द इनिशियल एनहाइड्रोक्सिलेशन ऑक्सीडेशन डी कार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म एल्डोक्सिम ग्रुप। तो यहाँ पे एल्डोक्सिम ग्रुप भी एडेड होता है, ए ग्लाइकॉन भी एड, ए ग्लाइकॉन चेन भी होता है एंड ग्लाइकॉन चेन भी होता है, और इस तरीके से इनकॉर्पोरेशन हो जाता है इसका सल्फर में। साइड चेन में अगर मॉडिफिकेशन करना है तो उसमें बहुत से प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सीलेशन, रिडक्शन, और इस तरीके से साइड चेन में चेंजेस करके हम ग्लूकोसिनोलेट्स की जो है और भी डाइवर्सिटी देख सकते हैं, और भी वैरायटी देख सकते हैं। यस, तो ये हो गया आपका पोर्शन अबाउट दी प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अच्छा एक मिनट, आई थिंक ट्राइड हमने टारपिन में एक स्लाइड का कुछ पोर्शन मिस किया। अच्छा यहाँ पे दो एंजाइम काम कर रहे थे टारपिन में, उसको हमने मिस कर दिया एक्चुअल में। एक था प्रिनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम और दूसरा है टारपिन सिंथेस। और तो बहुत से एंजाइम है जिसको हमने रोल देखा प्ले करते हुए, लेकिन यहाँ पे दो और एंजाइम है, इन एंजाइम्स पे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जैसे प्रिनाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, प्रिनाइल ट्रांसफरेज का काम होता है जो सक्सेसिव एडिशन होता है आईपीपी यूनिट का। जैसे मैंने आपको कहा था 5 कार्बन में एक और आईपीपी ऐड कर दीजिए 10 कार्बन कंपाउंड बन गया, 10 कार्बन में एक और आईपीपी ऐड कर दीजिए 15 कार्बन बन जाएगा। कि जो सक्सेसिव एडिशन होता है ना आईपीपी का, ठीक है, टू द वेरी प्राइमरी सिंगल डीएमएपीपी, उनमें आईपीपी को ऐड करवाने का काम कौन करता है, दैट इज प्रिनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। इसके अलावा एक टारपिन सिंथेस एंजाइम भी काम करता है टारपिन के सिंथेसिस में। टारपिन सिंथेस क्या करता है, टारपिन सिंथेस रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी के लिए जो कि हमको टारपिन में मिलता है, और इसकी मदद से हमको बहुत से इंटरमीडिएट मिलते हैं, जैसे कि हो गया जीपीपी, एफपीपी, जिरेनाइल जिरेनाइल पाइरोफॉस्फेट, ठीक है, ये सब मिल जाते हैं। ये एंजाइम अलग से क्यों मेंशन किया है, क्योंकि इनको किसी पाथवे में दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये एंजाइम काम करते हैं ऑन अ जनरल बेसिस काम करते हैं। ओके चलो, तो इसके साथ हमारा प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स खत्म। तो आपने देखा कि देखिए इसमें जो है हमने जो इतनी वैरायटी पढ़ी, इन वैरायटी में बहुत से ऐसे लाइफ रिलेटेड, रियल लाइफ रिलेटेड एग्जांपल है जिसके तौर पे आप याद रख सकते हो। जैसे अभी हमने मस्टर्ड पढ़ा, तो मस्टर्ड में हमको याद रहेगा कि भाई मस्टर्ड में, कैबेज में, हॉर्स रेडिश में, इस समय बहुत हार्ड वाली स्मेल आती है। किसी किसी को तो स्मेल बर्दाश्त ही नहीं होती है। जैसे मेरे घर में, मतलब मेरे इन लॉज के घर में कुछ कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनको कि कैबेज नहीं पसंद, क्यों, उनके स्मेल के कारण। तो जब कैबेज को काटा जाता है तो अगर मतलब उन्होंने कच्चे कैबेज का स्मेल ले लिया तो वो सब्जी नहीं खा पाते,
ठीक है, जबकि कैबेज को अगर आप अच्छे से पका दो तो अब वो स्मेल रहती नहीं है, लेकिन जब वो कच्चा स्मेल कर लेते हैं तो वो फिर खाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ऐसी काफी ऐसी स्मेल होती है जो कि बहुत लोगों को बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती है, तो इस दैट केस में वो क्या करते हैं, उन चीजों को अवॉइड करते हैं। टारपिन के हमने कुछ जो फेमस एग्जाम्पल देखे जो कि आपको याद रह सकते हैं, जैसे कि नीम में प्रेजेंट है, ठीक है, लेमन में प्रेजेंट है, इसके अलावा मिंट में प्रेजेंट है, क्लोव में है, कार्डमम में है, सॉरी नॉट कार्डमम, सिनेमन में है, जिंजर में है, ठीक है, रेजिन्स में है, बहुत सारे हमने एग्जाम्पल देखे। तो जो एटलीस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैच हो रहे हैं उनको रटने के मतलब रटने वाली कैटेगरी में मत डालिएगा। ऑल दो ये पूरा पोर्शन जो है 70% इस चैप्टर का पोर्शन रट्टाफिकेशन पे चलता है, क्योंकि नाम रटने पड़ेंगे आपको, अब सब सारे नाम याद ऐसे ही नहीं होंगे, नाम रटने पड़ेंगे, और कुछ कुछ चीजें समझने वाली है जैसे मैं अभी जो बता रही हूँ जो आपको ऐसे ही याद रख सकते हैं। तो 30% पोर्शन अंडरस्टैंडिंग है, 70% पोर्शन रट्टाफिकेशन पे है। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमको रट्टाफिकेशन पे लेके चलना पड़ता है, तो जिन जो लोग कर सकते हैं वो जितना हो सके उतने नाम याद कर लीजिए। कैप्सिकम भी नहीं पसंद मुझे, कॉलीफ्लावर नहीं पसंद, हमको सब पसंद है, क्योंकि मेरे पापा के थ्रू हमारी पेरेंटिंग बहुत स्ट्रिक्ट की गई थी, और जिसकी वजह से घर में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहती थी चीजें, एंड दैट इज वाई अगर हम कह देंगे घर में कि हमको ये नहीं पसंद, तो उसके बाद आने वाले 2 हफ्ते तक वही चीज बनेगी घर में, और वो तब तक बनेगी जब तक खाने उस चीज को खाने की आपको आदत ना हो जाए। इसलिए आज की डेट में मुझे कोई भी आप सब्जी दे दीजिए, मैं किसी सब्जी के लिए ये नहीं कर सकती कि मैं इसको नहीं खाऊं। ठीक है, और मुझे किसी चीज से मतलब किसी चीज की स्मेल से भी क्यू नहीं होती है, और सब कुछ मतलब इन जनरल आई एम ए जनरलाइज्ड स्पीशीज, ठीक है, मुझे किसी से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे याद है मुझे करेला खाना बिल्कुल नहीं पसंद था, बट आज आप करेले का कुछ भी दे दीजिए, कड़वा से कड़वा करेला दे दीजिए, मैं आराम से खा सकती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता है। मुझे याद है आई वॉज इन क्लास 10th और 11th आई गेस, ठीक है, तो जब घर में करेला बनता था तो मैं क्या करती थी, प्लेट में मेरे करेला आता था तो मैं करेले को चावल के नीचे छुपा देती थी अपने प्लेट में, और मम्मी पापा को लगता था कि मैं करेला खा गई हूँ, तो ऑब्वियसली अब उस करेले को कहीं तो फेंकना पड़ेगा। अब कहते हैं बचपन में ये चीज दिमाग में आती नहीं है कि वो चीज हमारी हेल्थ के लिए है, आज हमें हेल्थ रिलेटेड चीजें समझ में आती हैं, उस टाइम पे नहीं आती हैं, छोटे थे हम लोग दिमाग कितना ही था। तो एक दिन मेरे पापा ने उस करेले को डिस्कार्ड करते हुए मुझे देख लिया डस्टबिन में, फिर पहले तो झाड़ पड़ी, बहुत मस्त वाली क्लास लगाई गई हमारी, फिर बोला गया आज से 2 हफ्ते तक सारे खाने में करेला जाए। तो होता क्या था कि जब चावल दाल बनेगा तो करेले को मैश करके उसको मतलब बॉईल करके मैश करके उसके अंदर प्याज वगैरह नमक तेल वगैरह डाल के जो है उसको एक मतलब यूं ही जैसे आलू का मैश करके बनाते हैं, आलू चोखा कहा जाता है, वैसे ही हमको दिया जाता था करेले का चोखा। तो जब दाल में करेला चला जाता था तो करेला अपना सारा जो बोलते ना कड़वापन है वो दाल में छोड़ देता था। अब वो जो चोखा है वो खाने में ठीक लगा क्योंकि उसमें इतना कड़वापन है नहीं, लेकिन फिर भी वो कड़वा होता था, लेकिन उसने अपनी कड़वा दाल में भी छोड़ दिए। अब उस दाल के साथ ही तो आपको पूरा चावल खाना है, तो मतलब वो जो 5 मिनट में आप करेले को खा के 5 मिनट में अपने मुंह की कड़वाहट दूर कर सकते हो, उस पनिशमेंट के चक्कर में अब पूरा खाने में कड़वापन आपको फील होगा। जब तक आप दाल चावल खाओगे तब तक वो कड़वापन आपके मुंह से जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला केस जैसी जैसे एक बार हुआ था, मुझे कद्दू नहीं पसंद था, आज के टाइम में आई जस्ट लव टू ईट कद्दू, कद्दू जब ऐसा हुआ फिर कद्दू के पराठे, कद्दू का चोखा, कद्दू की सब्जी, कद्दू का भाजा, कद्दू के पकौड़े, मतलब ऐसे हो जाते थे ना, मेरे
मेरे डैड कभी ऐसे बोलते हैं डांट डपट पे बहुत कम कम बिलीव करते थे, ठीक है, वो ट्रीटमेंट पे बिलीव करते थे कि घर में जब खाना ही वही बनेगा तो तुम और क्या खाओगे, तो फिर मजबूरी में जो है आप फिर सब कुछ खाना सीख जाते हो। तो लिटरली आज के टाइम पे मैं सब कुछ खाती, एक ऐसी चीज नहीं है जो मैं कह दूं कि मुझे नहीं पसंद है। बस यहाँ पे बंगाल में आके मैंने एक साग खाया है, वो साग मुझे नहीं पसंद है, मतलब मुझे मुझे उसका जो फ्लेवर मुंह में डालने के बाद आता है ना, आई जस्ट हेट इट, मुझे वॉमिट आ जाता है पता नहीं कैसे। वो साग का नाम क्या है यहाँ के बच्चों को बताओ, वो जो पानी में साग वो उगता है, ऐसे 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 पत्ते होते हैं उसके, ऐसे ऐसे वाले पत्ते होते हैं, ऐसे लंबा लंबा पत्ता होता है, और क्या नाम है, आई थिंक इट इज कोई है या कलमी साग है, ऐसे ही कुछ साग है, कोई साग तो शायद चौड़ा होता है पत्ता, आई थिंक कलमी साग है वो, मुझे नहीं पसंद आता वो। उसको हर एक वैरायटी से मेरी मम्मी बना के खिला चुकी है, बट मुझे उसका वो फ्लेवर आई डोंट लाइक इट। पालक नहीं है बेटा, पालक मुझे पता है, पालक का नाम उफ, पालक मतलब पालक कोई नाम भूलता है क्या, बोल रहे हो पानी में उगता है भी बोल रहे हो पालक। अब हाँ कलमी है शायद, ये कलमी साग है। वो इकलौता ऐसा चीज है पूरी लाइफ में जो कि मैं खाना पसंद नहीं करती हूँ। नहीं मार तो मैंने बहुत कम खाई है एक्चुअली, मेरे डैड का मतलब कहते ना, हम लोग अपने डैड से बहुत डरते थे जब छोटे थे, ऊपर से उनका कहते हैं ना मतलब बहुत उनका एक वो था, लाइफ को लीड करने का तरीका बहुत डिसिप्लिन था, आर्मी में थे जिसकी वजह से उनको डिसिप्लिन में रखा गया था, उन्होंने घर में हमको डिसिप्लिन में रखा था, तो हम लोग बहुत ज्यादा डरते थे उनसे, ठीक है, इसलिए अगर वो एक बार घर में कह दें कि ये बनेगा और सबको खाना पड़ेगा, मैं और मेरा भाई चुप करके चुपचाप बिना कुछ कंप्लेन किए उसको खा लेते थे, तो हम लोग में बहुत ज्यादा डर था, तो इस वजह से हमने सब कुछ खाना सीख लिया। पर जब वो आर्मी से रिटायर लिए तो उनके साथ साथ उनका वो जो स्ट्रिक्टनेस था वो भी थोड़ा सा रिटायरमेंट पे चला गया, तो अभी अभी चीजें अलग चलती हैं। नहीं पापा को पता है वो कलमी साग का टेस्ट, पापा को पता है, वो फोर्स नहीं करते हैं, और तो अभी भी बनता है तो मैं बोलती हूँ मुझे नहीं खाना है, फिर भी एक चम्मच मेरे प्लेट में आ ही जाता है, मम्मी बोलती है गले में रख के गटक जा, मुझे चीव मत कर गले में रख के गटक जा, लेकिन बॉडी में जाना चाहिए। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ये यूट्यूब पे नहीं जाना चाहिए। नहीं आज पीवाई क्यों नहीं करवाएंगे, ये जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा इसके साथ ही पीवाई क्यों डाल दिया जाएगा, आप अपने एंड से ट्राई कर लीजिएगा, फिर एक रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देंगे, इसका भी इसके भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अंकिता अभी हो गए पहले जब क्या है ना देखो आर्मी मैन की लाइफ ऐसी होती है ना कि मैं सच बोलू तो टिल टेंथ क्लास, टेंथ फॉर मी इट इज ट्वेल्थ क्लास, टिल ट्वेल्थ क्लास जो है मुझे हफ्ते हफ्ते हो जाते थे मैं अपने फादर को देख नहीं पाती थी, क्योंकि उनको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता था, तो हमारे उठने से पहले वो निकल जाते थे ऑफिस के लिए और हमारे सोने के बाद वो घर में आते थे, तो इस वजह से कितने हफ्ते हो जाते थे हम उनको देखते नहीं थे, तो ना उनको मौका मिला हमारे साथ उतना फ्रेंडली नेचर बनाने का, और ना हमने कभी कहते ना इंटरेस्ट दिखाया, तो एक फादर और बच्चों के बीच में जो कहते हैं ना एक बैरियर बन जाता है नहीं टाइम रहने की वजह से, जहां पे कम्युनिकेशन गैप होता है वहां पे बैरियर हो ही जाता है, तो वो बैरियर रहा। फिर
फिर हम लोग यहाँ पे कोलकाता में आए। कोलकाता में आने के बाद भी उनका 3-4 साल उनका जॉब चला, फिर उन्होंने रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद उनके पास टाइम ही टाइम था, ठीक है। तो जब टाइम था तो उसके बाद उन्होंने मतलब कहते हैं ना चाइल्ड बिहेवियर पे स्टडी करना शुरू किया। तो उनका आज भी ये कंप्लेन होता है कि मुझे पता नहीं चला कि मेरे बच्चे बड़े कब हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी उस पर टाइम इन्वेस्ट किया ही नहीं। तो वो आप कह सकते हो उस वजह से हुआ, लेकिन आज के टाइम में आई थिंक ही इज द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट पर्सन इन माई फैमिली, बहुत ज्यादा फ्रेंडली, ठीक है। मतलब आई मीन हमने कभी उनका ट्रांसफॉर्मेशन वैसा एक्सपेक्ट नहीं किया था जैसा ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो गया जब वो हमारे साथ टाइम स्पेंड किए। और दो मतलब हम लोग काफी बड़े हो गए थे, मेरा भाई कॉलेज में था, मैं कॉलेज में थी जब उनकी रिटायरमेंट हुई, जब उनको जानने का मौका मिला कि हाँ उनके बच्चे कैसे हैं, उनको क्या पसंद है, वो क्या खाना पसंद करते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं, उन्होंने उसके बाद हम लोग को जानना शुरू कर दिया। तो अभी का सिनेरियो पूरा अलग है, अभी का सिनेरियो पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। पहले हम लोग को पापा से कुछ भी बात बोलने में बहुत बार सोचना पड़ता था, और अब ऐसा कुछ भी नहीं। अभी तो जो मुंह में आए, जैसा हो रहा है, जहां हो रहा है, जो भी हो रहा है, फटाफट से मुंह बोल देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है पापा, ऐसा ऐसा कर पड़ा। तो होता है लाइफ में चीजें जो है इस तरीके से चलती हैं। नहीं, अभी नहीं डरते हैं। माई आपसे मिलना हो पाएगा नहीं हो पाएगा उसका भी पता नहीं है मुझे। हां जी दिव्या बिहार से। अब देखिए मेरा मानना है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ना डर, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं वो वाला माहौल भी देखी हूँ जब मैं डरती थी पेरेंट्स से। और मम्मी मेरी हमेशा से फ्रेंडली थी, मम्मी लोग अक्सर मैक्सिमम टाइम फ्रेंडली ही होती हैं क्योंकि उनसे आप मैक्सिमम टाइम बात करते हो, शेयर करते हो। फादर के साथ सबका रिलेशन वैसा नहीं बन पाता, हमारा भी ऐसे ही था, डर का माहौल ज्यादा था। और पापा को भी मेरे लगता था कि हाँ बच्चों के अंदर बाप के लिए डर रहना चाहिए, बट मेरी मम्मी एकदम अपोजिट। मेरी मम्मी शुरू से ही उनको यही बोलते रहे कि नहीं, एक बाप को बच्चों के साथ फ्रेंड मतलब एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड की तरह होना चाहिए ताकि बच्चे आपसे कोई बात कहने में डरे नहीं। अगर वो आपसे डरेंगे तो वो आपसे बातें छुपाएंगे, बातें छुपाएंगे तो गलत रास्ते पे जाने का ऑप्शन ज्यादा हो जाता है। और अगर वो फ्रेंडली रहेंगे तो आपसे हर वो एक बात बताएंगे, और वो जहां गलत होंगे आप उनको करेक्ट कर पाएंगे। तो वो चीजें मेरी मॉम ने मेरे डैड के दिमाग में, बोलते हैं ना, बहुत बार रिपीटेड इनकाउंटर करके उनके दिमाग में ये बात डाली। जैसे जैसे वक्त बदला मेरे डैड को ये बात समझ में आने लगी कि हाँ मेरी मॉम सही बोल रही है कि बच्चों के साथ एक बाप की तरह नहीं, एक बेस्ट फ्रेंड या एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड की तरह पेश आना ज्यादा जरूरी है। और आज के टाइम में वही आज के टाइम में मतलब बहुत चीजें बहुत चेंज हो गई है बाय गॉड, लाइक गॉड ग्रेस अच्छा हुआ चेंज हुई। क्योंकि आज के टाइम में वही है कि हमको कुछ भी इम्पोर्टेंट फैसला लेना होता है तो हमको यू नो सेकंड थॉट ही लेना पड़ता है कि हाँ पापा से बोले या नहीं बोले। आज मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गया, कहते हैं ना पूरा 180 डिग्री पे टर्न मार देना, वैसा वाला पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन टर्न। तो होता है आप लोग को भी जिंदगी में मौका मिले, क्योंकि मेरा मानना है कि एक फादर का फ्रेंडली नेचर आपको बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा। लाइक मैं आज के टाइम में अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहीं भी पहुंची हूँ, उसमें मेरे फादर का एक दोस्त जैसा रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है। और वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है जिंदगी में, क्योंकि अगर आप डरते हो तो आप फिर कहते हो ना
आपके जिंदगी का कोई एक हिस्सा ऐसा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो एक फादर के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दिल में प्यार होना चाहिए, लेकिन एक डर जो रहता है वो आपको बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप बोलना चाहते हो बोलने नहीं देता है। तो जब उन्होंने मेरे अंदर से डर को खत्म किया था तो मैंने बस उनको यही कहा था कि मैं जितना पढ़ना चाहती हूँ मुझे प्लीज पढ़ने दिया जाए, बिना किसी सोसाइटी के प्रेशर में आए वो, ठीक है। तो जिस वजह से जब मैंने ये बात कही तो उन्होंने ये बात समझी और टिल द एंड उन्होंने वो एक रोल निभाया कि कभी भी किसी भी सोसाइटी के प्रेशर में आके उन्होंने मेरे ऊपर किसी भी चीज के लिए कभी दबाव नहीं डाला। वो लास्ट टाइम तक भी यही बोलते थे मेरे को, तेरे को जितना पढ़ना है तो उतना पढ़, तेरे ऊपर कोई किसी टाइप का प्रेशर नहीं डालेगा, तुझे जिस टाइप की जॉब करनी है तो उस टाइप की जॉब कर, तुझे जहां जाना है पढ़ने के लिए तू वहां जा, इस टाइप का मतलब उनका लास्ट तक मतलब कह सकते हो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर हो चुका था। तो वो जरूरी होता है एक फादर का सपोर्ट ना, मतलब एटलीस्ट एक मतलब एक फीमेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेल को सोसाइटी से फैमिली से, कुछ कुछ मेल हैं जिनको मतलब फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन ज्यादातर केस में इस मामले में अनफॉर्चुनेट थोड़ी लड़कियां ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि उनको बहुत अलग अलग एरिया में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। पर मेरा मानना है कि जब उस टाइम पे एक फादर खड़ा होता है फिर कोई नहीं बोल सकता है। तो मैं लिटरली ये बात मानती हूँ कि अगर आज के टाइम पे कोई बेटी आगे बढ़ रही है और अपना करियर स्टेब्लिश कर रही है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन एक पिलर जैसा खड़ा हुआ एक बाप होता है जो उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो आप भी कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमको एक अच्छा रिलेशन, एक हेल्दी रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ, कभी कभी वो सामने से नहीं आ पाते, हमें इधर से जाना पड़ता है, मतलब हमें खुद स्टेब्लिश करना पड़ता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे मेरे इन लॉज हैं, मेरे इन लॉज का नेचर मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हो आप उतना फ्रेंडली टाइप का नेचर नहीं है। जैसे एक नॉर्मली होता है ना कि एक फादर के लिए जैसे डर होना, एक मदर के लिए जैसे डर होना, उस टाइप का है। तो वो शुरू से ही वैसे रह गए तो अब वो उतना अच्छे से फ्रेंडली नेचर मतलब खुद को बना नहीं पाते हैं। बट मैं हमेशा उनको इंसिस्ट करती हूँ कि नहीं, वो माँ बाप है, उनसे डरने के बजाय फ्रेंडली नेचर बना के रहो। एक फ्रेंड की तरह रहोगे तो बातें शेयर होंगी, रिलेशन हेल्दी बनेगा। डर से कोई रिलेशन हेल्दी नहीं बनता है, डर से बस डर अंदर रहता है। तो कभी कभी होता है ना कि सामने से माँ बाप कोशिश नहीं कर पाते हैं, आपको अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है ताकि वो रिलेशन से डर कम हो, रिस्पेक्ट ज्यादा हो और मतलब की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आए। Yes, मेरे फादर का स्ट्रिक्ट नेचर था उनकी जॉब के कारण, क्योंकि उनको इतना डिसिप्लिन रखा जाता था तो उनके दिमाग में क्या था, जैसे होता है ना सराउंडिंग में जैसे लोग होते हैं, आप मतलब अपने आप का ग्रूमिंग भी वैसे ही करते हैं। तो पहले क्या होता था, आपने अक्सर देखा होगा जो पहले के बच्चे हैं, जो कि आप समझ सकते हो 1990 से लेके 2000 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं, उन बच्चों से आप ज्यादातर बच्चों से पूछोगे ना तो वो कहेंगे कि उनका रिलेशन उनके फादर के साथ फ्रेंडली नहीं है, हेल्दी है बट फ्रेंडली नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे वो जो टाइम था ना, वो 10 साल के बीच का, 1990 से 2000 का टाइम, उस टाइम पे फादर को लगता था कि मतलब फादर होने का मतलब है एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी जिसका नाम सुनते ही बच्चा डरे, ठीक है, बदमाशी ना करे। उनको लगता था कि अगर स्टिक नहीं रहेंगे तो बच्चे बदमाश हो जाएंगे, बच्चे बात नहीं मानेंगे। तो वो जो एक होता है ना, एक हर एक चीज का एक जमाना चलता है, तो वो जो बीच का 1990 से 2000 का जो जमाना था ना, उसमें अक्सर आपको उस ड्यूरेशन में जितने भी पैदा हुए लोग हैं वो आपको यही कहेंगे कि उनके फादर के साथ उनका रिलेशन हेल्दी तो है बट फ्रेंडली नहीं है। क्योंकि ये जो नेचर है, ये बोलते हैं जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता है लोगों का रिलेशन इवॉल्व होता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। जो लोग यहाँ पे मतलब उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे, उस ईयर से बिलोंग कर रहे होंगे, उस बर्थ ईयर से बिलोंग कर रहे होंगे, वो ये चीज को समझ पाएंगे। चलिए, बाकी जैसे भी ये कहते हैं, जिंदगी का हर एक पहलू जरूरी होता है,
और हर एक पहलू को आपको ही परफेक्ट बनाना पड़ता है अपनी लाइफ में। तो काम करते रहिए, चीजों को ठीक करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके एवरीवन, चलो जी। ओके बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग गाइस। Thank you.